हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मधुर। तो दंड प्रणाम सबको, सत्य स्वागत है। अब प्रार्थना करेंगे हम। ओम अज्ञान तिमिरंध्रस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदे अहम् श्री गुरु श्रीयुता पदकमलम् श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथन्वितं तं सजीवं सावदैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितं। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवत्से नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांतो नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पातरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। यस हरि बोल हरे कृष्णा। तो आप लोग को कल क्या चर्चा किए थे कुछ बताइए। कल कुछ पॉइंट्स याद हैं आप अपने से बताइए, हाथ खड़ा करके आप बताइए। जिसको भी याद हो एक एक पॉइंट बताइए फास्ट जल्दी जल्दी। श्री हरि प्रभु। यस हाँ जा प्रभु जी, हरे हाँ बोल। कृष्ण प्रभु जी। यस प्रो जीव दो इच्छा और घृणा के कारण मोहग्रस्त होता है और इस जगत में जन्म लेता है और भगवान से तदाकर होना चाहता है और भगवान से ईर्ष्या भी करता है। ऐसा एक पॉइंट है। हाँ यस यस। वास्तव में जीवात्मा से ईर्ष्या पता चलता है हमारा, वास्तव में भगवान से ईर्ष्या है। हम हालांकि बोलते हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन किसी जीवात्मा के प्रति ईर्ष्या डिसाइड करता है वो ईर्ष्या किसके प्रति है, वो भगवान के प्रति ईर्ष्या है। इस प्रकार से ऐसे ओके। और कोई और किसी को बोलिए बोलिए फास्ट, इतना टाइम नहीं लगन। यदि याद है तो हाथ खड़क। सचिनंदन प्रभु कुछ बोलिए। हाँ कल क्या जो सुना कुछ पॉइंट याद नहीं है, कल का पॉइंट बोलना है आपको। कल क्लास में जो चर्चा किया कुछ भी पॉइंट है, अब एक पॉइंट बस बोल दीजिए याद हो तो। हाँ मधुश्रेष्ठ प्रभु विवेक प्रभु
जी, अब बोलिए कुछ। जैसे लास्ट का जो अध्याय था प्रभु जी, तो भगवान बोले कि कोई भी व्यक्ति अगर पूर्ण कृष्ण भावना में, पूर्ण कृष्ण भावना में रहकर अगर मुझे मतलब याद करता है या प्रैक्टिस अभ्यास करता है या सब कुछ मुझे जानता है, तो वो अपने जब वो मृत्यु के समय में भी मुझ भगवान को जान और समझ सकता है। अरे लेकिन अगर बहुत वेरी नाइस, पूर्ण यस कृष्ण यस भावना भावित में नहीं रहेगा तो नहीं जान सकता। हाँ यस। और मधुशेष प्रभु कुछ बोलेंगे? ये 27वां श्लोक जो है, इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद्व मोहे न भारत सर्वभूतानि सम्मोहं स्वर्गे यान्ति परम तप। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक बात लिखते हैं कि जीव की जो स्वाभाविक स्थिति है वो परमेश्वर की अधीनता है, तो जब वह इस बात को भूल जाता है तो वह माया के वश में हो जाता है और वह भगवान को समझ नहीं पाता। ये मतलब, यस और इससे मुक्त होने के लिए इच्छा और द्वेष के द्वंद से हमें पार जाना पड़ेगा। यस थैंक यू। हाँ अखिलेश प्रो, हरे कृष्ण। ये लगा लो। अच्छा श्री मथुरेश इसमें प्रभु, मथुरेश हरि प्रभु, श्री माधव प्रभु, ये सब हैं। से पढ़ के बोल दो। श्री माधव प्रभु बोलिए कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी, यस आपने कल बताया था कि जो भगवान है वो सदैव चाहते हैं कि जीव मेरे धाम आए, यस मेरे पास आए। वास्तव में जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो हम सुखी कदाचित नहीं रह पाते। हाँ यस थैंक यू थैंक यू। हरे कृष्णा। राजकुमार प्रभु राजकुमार प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। बोलिए। आदि 27th श्लोक में जो द्वंद के बारे में बताया गया था कि जो हम दुख में सुख में मान में अपमान में जो हमेशा ये जीवन में आता रहता है, लेकिन अगर हम भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान के शरण में रहते हैं, हमेशा कृष्ण के चिंतन में रहते हैं, तो हमें ये द्वंद फंसाएगा नहीं, बल्कि हम इस द्वंद से आसानी से निकल सकते हैं। ओके ठीक, बहुत अच्छा। अभी हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू। ये आगे बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, अध्याय 8। ये है भगवान की प्राप्ति, एब्सोल्यूट कि भगवान की प्राप्ति कैसे, भगवत तो भगवत प्राप्ति बिना ज्ञान के प्राप्ति कैसे होगी। तो ज्ञान आया, भगवत ज्ञान हुआ, और भगवत ज्ञान के बाद भगवान की प्राप्ति। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो ये श्लोक जो है हम इसमें ये पूरा उसका समरी पढ़ेंगे। पहले वो क्या बताते हैं। तो पहला इस पिछले अध्याय से और इस अध्याय में क्या कनेक्शन है। तो पिछले अध्याय में जो दूसरे अंतिम दो श्लोक थे उसमें भगवान ने 6 शब्द यूज किए थे, अधियज्ञ, साधि भूतम, साधि दैवम, हाँ साधि यज्ञम, अधिदैव, तो उसी प्रकार अध्यात्म। तो ये 6 वर्ड शब्द अर्जुन उसी को स्पष्ट करना चाहते हैं। इसलिए अर्जुन जो है 8 प्रश्न पूछते हैं, 8 प्रश्न पूछते हैं श्लोक नंबर 1 और 2 में, 8 और 1 और 2 में। कृष्णा जो है पहले 7 प्रश्नों का उत्तर देते हैं, फिर 8वें प्रश्न का उत्तर विस्तृत रूप से देते हैं। और कृष्णा इस अध्याय में 2 प्रकार की भक्ति का वर्णन करते हैं, योग मिश्र भक्ति और दूसरा है शुद्ध भक्ति, अनमिक्स्ड प्योर डिवोशनल सर्विस, फैक्टर्स दैट डिटरमिन सोर्स डिस्टेंस। और दूसरा, जब कोई जीवात्मा शरीर छोड़ के जाता है तो उसका क्या फैक्टर्स रहते हैं, क्या प्रभावित करते हैं, क्या कैसे जाएगा,
क्या कैसी स्थिति होगी, क्या गति होगी, उसके बारे में बताएं। अभी अध्याय में 22 श्लोक हैं। इस 22 श्लोक में जो पांच विभाग है, पांच भाग है, तो पांच विभाग हैं। तो पहले 1 से 4 श्लोक में जो कृष्णा जो है अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और दूसरे विभाग में 5 से 8 में कृष्ण को कैसे याद करें मृत्यु के समय, और तीसरे विभाग में 9 से 13 श्लोक में कृष्ण का कैसे स्मरण करना चाहिए, 14 से 16 में शुद्ध भक्ति, और 17 से 22 में कंपेयर किया भौतिक और आध्यात्मिक जगत, और आध्यात्मिक जगत का महिमा गुणगान। अभी 8 अध्याय 1 से अध्याय 4, उसके पहले हम श्लोक पढ़ेंगे, आवृत्ति करेंगे। अर्जुन उवाच, किं तद्ब्रह्म किं अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तं अधिदैवं किं उच्यते अधियज्ञः कथं कोऽत्र देयस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं गेयोस् असि नियतात्मभिः। श्री भगवान उवाच, अक्षरं ब्रह्मं परमं स्वभावो अध्यात्मोच्यते भूतभावदु करो विसर्गः कर्मसंहितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो अहम् एव अत्र देहे देह भृतां वरा अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशया यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजतंते कलेवरम् तम तम वैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरि युद्ध च मयि अर्पिता मनोबुद्धि मा वेश्यसि अशंशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नन्यगामिनः परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणं अनुशासितारम् अणोरण्यं स्मस्मन् स्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विसन्ति यत्तयो वीतरागाः यदच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहे प्रवच्छे सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुद्ध च मूर्धन्याधायात्मानः प्राणम् अस्तितो योगधारणम् ओम् इत्येकक्षरं ब्रह्म व्यवहारन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् सा याति परमां गतिम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा 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 हरे हरे हाँ हरे कृष्णा। तो प्रेम प्रकाश प्रभु, आप पहला श्लोक पढ़िए, और अभी संजीव कृष्ण प्रभु तैयार रहिएगा प्रेम प्रकाश प्रभु के बाद। अर्जुनोवाच किं तद्ब्रह्म किं अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तं आधिदैवं किं उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपया करके यह सब मुझे बताइए। तो भगवद गीता में सारा ज्ञान मिलता है, भगवान ने यहाँ सारे संसार छोटे अर्जुन पूछ रहे हैं सब चीजें। तो कितना प्रश्न पूछ रहे हैं,
बोले हैं उच्चते, क्या कहा जाता है, उच्च किम उच्चते, अधिदैवम प्रोक्तम, अधिदैव क्या है, अधिभूतम क्या है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, तद ब्रह्म क्या है, ब्रह्म अध्यात्म कर्म तीन, अधिभूतम चार, अधिदैवम पांच। ये पहले श्लोक में पांच प्रश्न पूछते हैं, पांच शब्द हैं, तो तात्पर्य पढ़िए। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रिया भी होता है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ होता है कि वह सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से, उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित उत्तर दे सकते थे। तो अभी अर्जुन ये भूल रहे हैं, अर्जुन इतना ध्यान नहीं कर रहे, मेरा मित्र है, यार है, ये नहीं मित्र है, दोस्त, पुरुषोत्तम कह रहे हैं, मतलब कि भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है। तो ये इस प्रकार से तो उनको विश्वास से पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे भगवान उत्तर देने चाहे देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो अर्जुन आठ प्रश्न पूछते हैं, तो पहले एक से चार में, तो ब्रह्मन अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ और अधियज्ञ कहाँ रहते हैं, और दूसरा अभी आत्मा ब्रह्म परमात्मा, ये तो हो गया। आत्मा के मतलब कभी कभी माइंड बोला जाता है, बुद्धि बोला जाता है, कभी इंद्रिय बोला जाता है। ब्रह्मन का मतलब जीवात्म को ब्रह्मन बोलते हैं, परमात्मा को बोलते हैं। अभी जो है किसको बोला था पढ़ने के लिए, अगला श्लोक पढ़िए, संजीव संजय किस प्रभु को, बाद में श्री माधव प्रभु तैयार रहिएगा। श्री माधव प्रभु अब है कि केवल स्क्रीन बस दिख रहा है? हाँ नहीं प्रभु जी, हूँ मैं। ठीक ठीक है, तो वीडियो चालू करके रखिए ना है आप लोग, प्रभु। जो लोग हैं वीडियो चालू करके रखिए, पता चलेगा है, नहीं तो पता नहीं चलेगा है कि नहीं है। जो लोग वीडियो नहीं चालू करें मतलब अब्सेंट है वो, ऐसा मान के चलेंगे। ओ, तो इसलिए आप लोग कृपा करके वीडियो चालू करके रखिए, वैसा कर दिया है और पता नहीं चल कि नहीं, तो अरे किसका प्रभु? अदरवाइज वीडियो नहीं चालू कर सकते तो अब्सेंट रहिए, या आप बता दीजिए कि आप वीडियो क्यों नहीं चालू कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम भी बता दीजिए, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ जुनाइन प्रॉब्लम है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई कारण नहीं है और वीडियो चालू नहीं किया इसका मतलब आप लोग नहीं है, सुनना नहीं चाहते हैं, तो ठीक है। तो संजय कृष्ण प्रभु पढ़िए, आप श्रीमाधव प्रभु रेडी अरे रहिएगा। किसका अधिज्ञा कथम को अत्र देहो अस्मिन् मधुसूदन प्राण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? हाँ, तात्पर्य तो यहाँ पे बोलते हैं भगवान अर्जुन, फिर दो प्रश्न पूछते हैं, क्या पूछते हैं, अधियज्ञ और कतम और को अत्र, कौन है अधियज्ञ, कैसे रहता है शरीर में, और तीसरा प्रयाण काले च कतम गयो, मृत्यु के समय कैसे जान सकते हैं। तो ये तीन प्रश्न पूछते हैं, अधियज्ञ कौन है, शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय उसको कैसे जान पाते हैं। तो पहले तीन प्रश्न, पहले कितने प्रश्न पूछे थे, पहले के श्लोक में पांच, और अभी के आठ श्लोक में कितना, तो ठीक टोटल आठ प्रश्न पूछे। तो इस प्रकार तो आठवां जो प्रश्न है वो क्या है, तो मृत्यु के समय कैसे जान सकते हैं, इसकी ये अध्याय में यही बताया गया, यही इसका डिटेल बताया गया। तात्पर्य पढ़िए। डॉक्टर जी,
अभिज्ञ का तात्पर्य जो इंद्र या विष्णु को सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में जिसमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित है प्रधान देवता है, और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ की जाती है, किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर में शरीर के भीतर निवास करते हैं। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में है अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था। अतः ये सारे शंकाएं असुर के सदृश है, क्योंकि कृष्ण असुर के मानने में सिद्धहस्त थे। अतः अर्जुन ने मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाले समस्त असुरों आकांक्षाओं को नष्ट कर दे। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, मधुसूदन क्यों बोला है, पुरुषोत्तम क्यों बोला? तात्पर्य तो पुरुषोत्तम क्या कहने का आशय अर्जुन को? तो ये छोटा प्रश्न है, एक प्रश्न दो प्रश्न ऐसा। तो आप समझ, मधुसूदन मतलब असुर, असुर को मारा था मधु, इसलिए हमारे मन के असुर को मारने के लिए, तो उसको दूर करने के लिए इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं, मधुसूदन बोल रहे हैं। हाँ आगे पढ़िए। इस श्लोक का प्राण काले शब्द की अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होता है। अर्जुन उस लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावना मृत्यु में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए हरे अत्यंत कृष्णा, इच्छुक है कि अंत मैं समय क्या क्लास में हूँ प्रभु, बाद में बात दशा होगी। करूंगा आपको, बिजी हूँ मैं। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय में पूर्ण स्वस्थ हूँ। आशा हो कि मेरे मृत्यु समय इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपकी चरणों कमल रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि इस जो के जल पक्षी वह कमल के पुष्पों के उतरने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहते हैं। महाराज कुलशेखर भगवान के कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं, तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरे भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपने सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करने पड़े, तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुंध जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊं या नहीं। अच्छा यही होगा, मुझे तुरंत मर जाने दे। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर करता करता है। तो इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ना, हमको भी लगता है ना कि मृत्यु के समय याद कर पाएंगे कि ना याद कर पाएंगे, ऐसा विचार आता कि नहीं आता है? अरे मृत्यु के समय याद कर पाएंगे ना, लगता है नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे वही कुलशेखर महाराज बोल रहे हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं कि मृत्यु के समय याद करने का चिंता नहीं करना चाहिए, अभी अभी के समय याद करने की चिंता करना चाहिए। अभी याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अभी यदि याद कर रहे हैं तो मृत्यु के समय नेचुरली हो जाओगे। मृत्यु के समय हेल्पलेस होता है, क्या होता है? हेल्पलेस। जब हेल्पलेस होता है तो हेल्प मिलता है, हेल्पलाइन मिलता है उसको, हेल्पलाइन मिलता है। तो हेल्प कौन देगा? हेल्प जब हेल्पलेस होगा तो हेल्प मिलेगा, भगवान हेल्प देंगे। तो यदि आप जिंदगी भर भगवान को याद किया है तो अंत में भगवान याद करेंगे, कौन याद करेगा?
जैसे जब कोई आईसीयू में होता है, आईसीयू में होता है तो आईसीयू में रहने वाला बुलाता है क्या, आ जाओ मैं आईसीयू में हूँ, कॉल करता है क्या? कौन जाता है, कौन जाता है? वो मित्र लोग जाते हैं, मित्रों को फोन करके बुलाता है क्या? नहीं, वो तो वो उसके पता चला रही वो है तो सब लोग देखने जाते हैं, प्रार्थना करते हैं ना, तो क्योंकि संबंध था। उसी प्रकार से व्यक्ति को मृत्यु के समय का नहीं सोचना चाहिए, मैं याद कर पाऊंगा नहीं याद कर पाऊंगा, क्या होगा, अभी याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। प्रेजेंट इज द प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर, प्रेजेंट लाइफ। तो मृत्यु के समय एक बार कांचीपुर से, कांचीपुर जो है कांचीपुरम में, तो कांचीपुर जो है वरदराज से प्रार्थना कर बातें करते थे, तो अलग अलग भक्त लोग अपने अपने प्रश्नों को उत्तर पूछते थे, तो वरदराज से पूछते थे तो कांचीपुर भी पूछते थे। तो कांचीपुर एक प्रश्न पूछे हाँ कि एक व्यक्ति पूछा कि मैं मृत्यु के समय, पूछो वरदराज से कि यदि मैं मृत्यु के समय भगवान को याद ना कर पाए, भगवत गीता में बोलते हैं भगवान तो अंतकाल मेरा स्मरण करता है, मेरे धाम को आता है, अंत में यदि मैं भगवान को स्मरण ना कर पाया तो क्या होगा? तो कंचीपुर जाके पूछते हैं वरदरस से, वरदरस क्या बोलते हैं, ये भक्ति कोई गैम्बलिंग नहीं है, जुआ जुआ का खेल नहीं है, लॉटरी लगी तो लग गई, लक लगा तो लगा, बेचारे का लक लग गया, याद कर लिया चला गया, याद नहीं कर पाया यहीं रह गया, फेल हो गया बेचारा, बैड लक। भक्ति इज नॉट डिपेंड ऑन लक और बैड लक, गुड लक, भक्ति इज द मर्सी कृपा। तो वहां पे वरदराज क्या बोलते हैं, भगवान ठीक है वो याद नहीं कर पाएगा, मैं याद करूंगा, क्या बोले, अंत के समय भगवान याद करेंगे अंतिम। तो हमको हमको विश्वस्त होना चाहिए, मृत्यु के बारे में चिंता नहीं करना चाहिए, मृत्यु के समय क्या होगा हम याद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, भगवान बोलते हैं वो याद नहीं कर पाए, करे ना करे मैं याद करूंगा, जब भगवान याद करेंगे तो फिर हमारे मानस पटल में आ जाएंगे। इस प्रकार से तो इस पर यहाँ पे बता रहे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ये, तो ये प्रश्न पूछते हैं अर्जुन। तो यहाँ दूसरे में पूछते हैं यज्ञ मतलब विष्णु इंद्रा, कभी कभी दोनों को बोला जाता है, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा गया है एक्चुअल में यज्ञ कौन, यज्ञ का पति कौन है, और मधुसूदन का मतलब बता दिया, प्रयाण काले का मतलब मृत्यु के समय, और इस प्रकार से यहाँ पे वो दिया। तो अभी हम बलदेव विद्याभूषण क्या बोलते हैं देखेंगे दोनों का श्लोक का। तो आठ चैप्टर क्वेश्चन अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, कृष्णा उनको एक्सप्लेन करते हैं, और इसमें फिर बाद में भक्ति मिश्र भक्ति योग मिश्र भक्ति मिश्र भक्ति योग मिश्र भक्ति और शुद्ध भक्ति का वर्णन होता है। यहाँ अध्यात्म ब्रह्मन सब का प्रश्न होते हैं, सब चीज वही चीजें बता रहे हैं। तो अभी भगवान जो है उत्तर देना प्रारंभ करते हैं, तो अभी जो अर्जुन प्रश्न पूछ लिए तो अभी श्री माधव प्रभु पढ़िए, और बलराम ईश्वर प्रभु, बंसी मनोहर प्रभु, आप हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं, बलराम ईश्वर प्रभु यू नो हिंदी? हेलो प्रभु, इंग्लिश हाँ है, अच्छा ठीक है। तो सचिनंदन प्रभु बाद में तैयार रहेगा, श्री माधव प्रभु के बाद सचिनंदन प्रभु तैयार रहिएगा। श्री माधव प्रभु पढ़िए। श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगितः। अनुवाद, भगवान ने कहा कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तात्पर्य, तो यहाँ रुकिए एक बार, यहाँ तीन चीज पूछा है भगवान, पहले पहले तीन उत्तरों को देते हैं। तो अक्षरम ब्रह्म क्या है, और अध्यात्म स्वभाव क्या है, और कर्म क्या है। तो यहाँ बोलते हैं किम ब्रह्म किम अध्यात्मा तो किम कर्म, तीन प्रश्नों का उत्तर भगवान देते हैं पहले तीन श्लोकों में। तात्पर्य पढ़िए।
प्रभुपाद कहते हैं कि ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से भी परे परम ब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा परम ब्रह्म का अर्थ है भगवान। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावना अमृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता तो यहाँ पे वो। दोनों जीव और भगवान, जो दोनों ब्रह्म है, भगवान जीव ब्रह्म है और भगवान परम ब्रह्म है, और भौतिक चेतना के कारण से उसका स्वभाव क्या होता है, प्रभुत्व जमाना। प्रभुत्व मतलब प्रभु बनना, मास्टर बनना, कंट्रोलर बनना, इंजॉयर बनना, प्रोपराइटर बनना। तो इस बाहर कोई व्यक्ति प्रोपराइटर बना जाता है, प्रॉपर्टी, आजकल प्रॉपर्टी 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 है, इधर प्रॉपर्टी, फ्लैट ही फ्लैट, फ्लैट ही फ्लैट, और सब फ्लैट हो जाते हैं, लेते तेल फ्लैट 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 हो जाते हैं, फ्लैट प्लाट में फ्लैट हो जाते हैं, फ्लैट होकर जाना पड़ता है। तो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, तो वास्तव में जीवात्मा इधर प्रभुत्व है, वृंदावन में भी प्रॉपर्टी है, वहां पे प्रॉपर्टी फ्लैट बनाना चाहता है। तो वास्तव में ये भौतिक चेतना है, ऊपर प्रभुत्व जाना, प्रभु बनना चाहता है, और जब चेत भौतिक चेतना में होता है उसके कारण से शरीर धारण करना पड़ता है। तो हमको शरीर कब तक धारण करना पड़ेगा, जब तक हमको प्रभु बनना, प्रभु बनेंगे। तो क्या बोलते हैं, ऋषभ देव बोलते हैं, प्रीति नयावत मई वासुदेवे ना मुच्चेत देह योगेन तावत। तो हमको शरीर का लेना, शरीर का मिलना कब तक चलता रहेगा, जब तक प्रीति नहीं आती। क्या नहीं आती, प्रीति। प्रीति नयावत मई वासुदेवे न मुच्चेत देह योगे न तावत। न मुच्चेत, मुक्ति नहीं मिलेगी देह योग से, देह का मिलना। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं, एक गुलाब जामुन खाने की भी इच्छा होगी ना तो फिर से आना पड़ेगा उधर। इसलिए जितना खाना है खा लो, गुलाब जामुन जो खाना जो भी करना है, लेकिन बाद में क्या होने चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, नो मोर डिजायर। प्रपाद को अंतिम समय आया, क्या बोले प्रभुपाद, नो मोर डिजायर। तो अभी क्या ऐसा हो सकता है कि यार कोई डिजायर ही ना हो, कोई डिजायर ही ना हो, बताइए ऐसा हो सकता है, जीरो डिजायर, जीरो डिजायर हो सकती है कि नहीं हो सकती। हाँ महादेव शेष प्रभु, यस हरे कृष्ण प्रभु। यस तो ये जो इच्छा है, ये भौतिक इच्छा के कारण हम भोग करना चाहते हैं, लेकिन वही इच्छा भक्तों के संग से भौतिक इच्छा जब आध्यात्मिक इच्छा में आवाज, आपकी आवाज परिवर्तित धीमी क्यों है, आवाज धीमी क्यों है आपकी, आप हो जाता है, तो जो इच्छा जो हमारे भीतर है उसके कारण अभी भोग करने की इच्छा होती है। और आवाज आ रही है प्रभु? हाँ अभी आ रही, यस कनेक्ट यस यस, बोलिए प्रभु, आवाज आ रही है, आ रही है आवाज? यस यस आ रही आवाज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, यस आ रही आवाज, बोलिए, मेरी आवाज आ रही है क्या, ललित किश प्रभु, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? प्रभु जी, आपकी सबकी आवाज आ रही है अच्छे से। दोनों हाँ उनको क्यों नहीं, की आवाज अच्छी आ रही है। एक बात करने को स्टार्ट करो, वे टाइम जा रहा है। मधु हाँ शेष जी, प्रभु, हाँ जी। तो ठीक है, हाँ अभी बोलिए, आवाज आ रही है? तो हाँ मैं बता रहा हूं कि भौतिक इच्छा होने के कारण हम अभी भोग करने की प्रवृत्ति है हमारे भीतर, लेकिन जब हम भक्तों के संग करते हैं तो उससे ये भौतिक इच्छा आध्यात्मिक इच्छा में परिवर्तित हो जाती है। और आध्यात्मिक इच्छा का अर्थ होता है भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा। हाँ। तो वो मतलब भगवान, उस प्रभुपाद बोलते नो मोर डिजायर, ऐसा नहीं है कि उनको कोई इच्छा हाँ नहीं है, इच्छा है, वो भगवान के पास जा रहे हैं, लेकिन मोर नो मोर डिजायर मतलब कोई भौतिक इच्छा नहीं, कुछ अब नहीं चाहते यहाँ पे, कुछ वो नहीं आना करना चाहते, इसलिए तो हमारा ऐसा ही होना चाहिए। तो तैयार रहना चाहिए, भगवान का बुलावा समझ के
हमको जाने का होना चाहिए, तब इस प्रकार से प्लान नहीं करना चाहिए, अब ये बाकी रह गया, वो बाकी रह गया, ये करना है, वो करना है, तो फिर से आना पड़ेगा एक पूरा करने के लिए। इसलिए हमारे सारे अकाउंट को खत्म कर देना चाहिए, अकाउंट क्लोज कर देना चाहिए, नहीं अकाउंट विड्रॉ करने के लिए फिर आना पड़ेगा। सारे अकाउंट शुड बी क्लोज्ड बिफोर लीविंग दिस वर्ल्ड। तो ये इस प्रकार से बता रहे थे। आगे तो आगे पढ़िए। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी परम परब्रह्म नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है, कभी वह अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है, इसलिए वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है, तो कभी देवता, पशु, पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। स्वर्ग लोक की प्राप्ति तथा वहां का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। आगे छांदोग्य पढ़िए, उपनिषद आगे पढ़िए। हाँ छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ यज्ञ की विधि में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती है। ये 5 अग्नियां स्वर्ग लोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती हैं, और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य से 5 प्रकार की आहुतियां हैं। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभीष्ट स्वर्ग लोकों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है जिससे यह वीर्य में परिणत होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता है और जाता रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वह सीधे कृष्ण भावना अमृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। भगवद गीता के निर्विशेषवादी भाष्यकार बिना कारण के कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है, और इसके समर्थन में वे गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को उद्धृत करते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर अर्थात अच्युत कभी नीचे नहीं गिरता। अतः यह विचार कि ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है ग्राह्य नहीं है, यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म अर्थात जीवात्मा को परम ब्रह्म या परमेश्वर से पृथक माना जाता है। तो बाहर के लोग बोलते हैं ना आत्मा सु परमात्मा, आत्मा परमात्मा एक है, लेकिन आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, ये समझना चाहिए। जीव जीव च्युत होता है, आत्मा जो परमात्मा होते हैं अच्युत होते हैं। तो इस प्रकार से, और यहाँ पे बताया कि तो इस प्रकार से हम इसको देखेंगे, इस अध्याय के तात्पर्य को क्या है डिटेल। तो यहाँ पे पूरा समझा दिया है तात्पर्य की किस प्रकार से जीव दोनों बोध ब्रह्मन परमात्मा है। डिफरेंस बिटवीन मटेरियल कॉन्सियसनेस स्पिरिचुअल कॉन्सियसनेस, भौतिक चेतना में क्या होता है, व्यक्ति भोक्ता प्रभु बनना चाहता है और कर्म करता है, आध्यात्मिक चेतना में भगवान सेवा करना चाहता है। जीवात्मा को तटस्था बोलते हैं, क्यों तटस्था बोलते हैं, क्योंकि कभी भौतिक प्रकृति में कभी आध्यात्मिक प्रकृति में रहते हैं।
और जब भौतिक चेतना में रहता है तो 84 लाख योनि प्राप्त करना पड़ता है, और जब कृष्ण भावना मत रहता है तो कृष्ण को भगवत धाम जाता है, और इस प्रकार का मायावाद का धारणा को दूर करते हैं। अब वैदिक सेक्रीफाइस प्रोसेस है तो डायग्राम में बताए, तो ये डायग्राम देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण डायग्राम है जो वही चीज छंदों के प्रश्न ने बताया है। तो कैसे होता है, 5 प्रकार की अग्नि, और अग्नि में आहुति दी जाती है, तो कैसे तो होता है। पहले होता है श्रद्धा, इस श्रद्धा से कर्मकांड करता है, कर्मकांड करने से वो स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग में जाने के बाद वहाँ सोमराज, वहाँ पे देवताओं के साथ भोग करता है, भोग करने के बाद क्या होता है, जब उसका पूर्ण क्षीण होता जाता है तो क्लाउड बन के वो बारिश के रूप में, क्लाउड्स के बारिश के रूप में गिरता है, और बारिश के रूप में गिर के कहाँ गिरता है, जमीन में गिरता है। तो श्रद्धा एक अग्नि है, आहुति स्वर्ग है, इस प्रकार से विद्या होती पंच अग्नि, और इस प्रकार से आहुति सोमराज मूर, यहाँ पे क्लाउड है, और यहाँ पे बारिश है, यहाँ पे पृथ्वी है, तो बारिश पृथ्वी में गिरती है, जैसे आहुति दी जाती है ना, आहुति कहाँ दी जाती है, आग में दी जाती है ना आहुति, तो उस प्रकार से तो पृथ्वी में होती है पृथ्वी। उसके बाद जो है पृथ्वी से, पृथ्वी में से अन्न आता है, अन्न आदमी खाता है, आदमी में वीर बनता है, वीर स्त्री के गर्भ में जाता है, स्त्री के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है, तो ये प्रकार का साइकिल चलता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे इस चीज को बता रहे हैं। आगे तो इस प्रकार से हो गया, आगे कौन पढ़ेगा, इसको बोला था। मैं पढ़ू हाँ, और उसको मैंने किसी को सचिन बोला, किसी को बोला था मैंने, अंदर, हाँ सचिन सचिन अंदर। आलद कृष्ण, सचिन अंदर प्रो के बाद पढ़िए आप, अभी ओके चंद्र प्रो पढ़िए। अधिभूतम छरो भव, हाँ, अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषाच अधिदैवतम अधिजज्ञोऽहमेवात्र देह देह भृतांबर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तन से यह भौतिक प्रकृति अद्भुत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, अधिदैव कहलाता है, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर अधिजज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से इसका प्रश्न का उत्तर, और आगे प्रश्न का उत्तर देते हैं भगवान। हाँ, ये अभी कितने हो गए, अधिभूत सात अधिदैव अधियज्ञ सात हम अत्र देह, ये 7 4 हो गए या 3, ये प्रश्न अभी उत्तर हो गए, टोटल 7 हो गए, और 8वां प्रश्न का उत्तर 5वें श्लोक में देंगे। उस प्रकार से कैसे होता है, तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य पर पढ़िए। जो आप लोग पढ़ना जो चाहते हैं कृपा करके हाथ स्क्रीन में खड़ा करें, जैसे विवेक प्रभु ने खड़ा किया है, अभी स्क्रीन में खड़ा किए, तो उनको बोलूंगा क्या है, उसमें पता नहीं चल पाता है मुझे बोलना ही, तो आप लोग स्क्रीन में खड़ा रहेगा तो आसान होगा मुझे बोलना, और जिसका चक्कर फिर रिवीजन हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, जैसे पूरा हो जाएगा एक बार फिर दोबारा फिर से नंबर आएगा, तो प्लीज रेज योर हैंड इन स्क्रीन, और जो लोग पढ़ लिए हैं उन हाथ मत खड़ा कीजिए, जो नहीं पढ़े हैं उनका फर्स्ट, जब पूरा साइकिल हो जाएगा ना तो उसके बाद जो है हम फिर से दोबारा करेंगे। ओके ठीक है, हरे कृष्णा। तात्पर्य यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तन परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। ये उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा जिसमें सारे देवता तथा उनके लोक सम्मिलित है, अधिदैवत तक कहलाती है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। यह परमात्मा अधिदैव्य कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। इस श्लोक में प्रसंग में
एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। ये परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देते हैं और उसके कार्य पर निगरानी रखता है। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावना भावित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं। जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है, अधिदैवत नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नवदीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट स्वरूप का चिंतन करें जिसके पांव अधो लोक है, जिसके नेत्र सूर्य तथा चंद्र है और जिसका सिर उच्च लोक है। हरे कृष्णा सचिनंदन प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे बहुत अच्छा पढ़ा, ऐसे उत्साह से और ऐसे तेज से पढ़ना चाहिए। तो आपने ऐसे स्पष्ट पढ़ा, उत्साह से पढ़ा, और उस प्रकार से तो सब रिक्वेस्ट करते, सब लोग ऐसे उत्साह से पढ़िए। तो ये है, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज बताया है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे बोले कि भगवान का अलग अलग परमात्मा है, अधियज्ञ के रूप में है और अधिदैव है, लेकिन यहाँ पे बहुत सुंदर बताया कि ये सारे स्वरूप, इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य, मतलब इस भगवानों के सारे कार्य किसको प्रकट हो जाते हैं? उस कृष्णा भावना भावित भक्त को स्वतः प्रकट हो जाते हैं, स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं। मतलब जो है कुछ ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना पड़ता है, वो चित्त में क्या हो जाएगा, प्रकाशित होगा। चित्त में दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। प्रकाशित था तो यहाँ बोल रहे हैं परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्णा भावना भावित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं। किसको स्पष्ट हो जाते हैं? कृष्णा भावना भावित भक्त। भक्त नहीं, डिवोटी। डिवोटी कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी। इस्कॉन डिवोटी नहीं, इस्कॉन डिवोटी। इस्कॉन इज लाइक द सोसाइटी, अ बाउंड्री, ऑर्गेनाइजेशन। केवल इस्कॉन कहने से हम इस्कॉन डिवोटी है कि नहीं, इस्कॉन डिवोटी मतलब कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी। कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी कोई बाहर भी हो सकता है, इस्कॉन के बाहर भी कृष्णा कॉन्शियस हो तो सकता है। हमको इस्कॉन के अंदर भी रहना है और कृष्णा कॉन्शियस भी रहना है। तो बाउंड्री के अंदर भी रहना है और कृष्णा कॉन्शियस भी रहना है। तो कृष्णा भावना भावित व्यक्ति को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और उस प्रकार से तो इसमें इस तात्पर्य में और क्या दिया, देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे अधिभूत अधिदैव बताया है और अलग अलग अधियज्ञ बताए हैं। एव का मतलब निश्चित रूप से भगवान परमात्मा और भगवान नॉन डिफरेंट कृष्ण से, और भगवान अहम एव। भगवान क्या बोले यहाँ पे? अधियज्ञ अहम एव। एव मतलब अधियज्ञ कौन है? मैं ही हूँ। अहम एव, एव कह के भगवान बोलना चाहते, जो परमात्मा है मैं ही परमात्मा हूँ। और ह्युसरा सर्वभूतानां हृदये सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। तो आत्मा परमात्मा और कृष्ण एक ही है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ एओ का मतलब है परमात्मा इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, हु अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ ऑल दिस मैनिफेस्टेशन सुप्रीम, ओनली प्योर कृष्णा कॉन्सियस डिवोटी। तो इस प्रकार से ये चैप्टर शुरू हुआ। अभी पांचवा, दूसरा सेक्शन शुरू होता है 5 से 8 इस श्लोक का। ये बहुत महत्वपूर्ण है सेक्शन है, रिमेम्बरिंग कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ। तो इस प्रकार से टू अटेन कृष्णा वन मस्ट रिमेम्बर हिम एट द टाइम ऑफ डेथ। दिस रिमेम्बर इज ए मेंटल ट्रिक, दिस रिमेम्बर इज नॉट ए मेंटल ट्रिक, रिमेम्बरेंस इज मोर देन मेंटल ट्रिक। द वर्ड यूज्ड भाव, भाव मतलब मूड। तो ये द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ फिक्सिंग माइंड ऑन कृष्णा इज द हरिनाम संकीर्तन। तो ये जो 5 से 8 श्लोक है, प्रभुपाद इसमें एक बार बार एक ही चीज बोलते हैं, बार बार एक ही चीज बोलते हैं। वो क्या है, आपको आएगा उसमें, हरे कृष्णा मंत्र। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। कभी कभी लोग बोलते कहाँ है चैंटिंग के बारे में, बोला एक बार चैंटिंग कर लिया। प्रभुपाद कांस्टेंट चैंटिंग के बारे में बोलते हैं। 16 माला बिगनिंग है। यदि कोई व्यक्ति 16 माला 16 साल से 16 माला कर रहा है,
और 16 साल से, अब बोल रहा है मैं 16 राउंड कर रहा हूँ, कहाँ से 16 साल से, 17 में नहीं पहुंच रहा है, पदार्पण नहीं हो रहा है, तो उसको क्या समझना चाहिए? वो न्यो फाइट है, वो क्या सोचना चाहिए? न्यू फाइट शुड चैंट 16 राउंड्स, एटलीस्ट 16 राउंड्स। समबडी प्रभुपाद बोलते हैं न्यू फाइट शुड चैंट 60, एटलीस्ट 16, कम से कम 16। हम कम से कम की बाउंड्री में है, यदि कम से कम ही हमारा मैक्सिमम है तो हम, हमको समझना चाहिए हम न्यू फाइट्स हैं। भले 20 साल हो जाए, 25 साल हो जाए, तो न्यू फाइट्स हैं। क्यों? न्यू फाइट मीन्स व्हाट? नौसिखिया जो हु फाइट्स न्यूअर एंड न्यूअर वेज, दैट न्यू फाइट्स। वन हु फाइट्स न्यूअर एंड न्यूअर वेज, दैट इज न्यू फाइट्स। अलग प्रकार से लड़ता ही रहता, लड़ता ही रहता है। तो वास्तव में और गर्व करते हैं, हम 16 साल से 16 माला कर रहे हैं। अरे 17 में, अब 16 साल से आप नौकरी जो करते थे, वो क्या 10 साल पहले जो कमाते थे वो अभी भी कमा रहे हैं उतनी सैलरी है? हर पंचवर्षीय योजना में प्लान बदलता है, पेंशन बढ़ता है, इंक्रीमेंट बढ़ता है, लेकिन हमारा इंक्रीमेंट क्यों नहीं बढ़ रहा है? भक्ति में कहाँ पे स्टक हुआ है? क्यों ऐसा हम बराबर बोल रहे हैं कि 16 माला, ये सोचना चाहिए। उसमें भी गर्व करते हैं, हम 16 माला कर रहे हैं, लेकिन 17 में क्यों नहीं पहुंच रहे? 17 रोज क्यों नहीं हो सकता? क्यों स्टक है? क्योंकि प्रभुपाद ने बोला है, प्रभुपाद ने शुरू में बोला था, प्रभुपाद ने आपको 10 हजार से 20 हजार कमाने के लिए बोला था, 20 हजार से 1 लाख कमाने के लिए बोला था? कुछ कुछ भक्त लोग 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए कमाते हैं, सैलरी कमाते, जो कि पहले 10 हजार 20 हजार कमाते थे। तो 2 लाख कमा सकते हैं नौकरी पैसा। उस समय क्या काउंसलर ने बोला था? क्या गुरु ने बोला है 2 लाख कमाओ? तो 16 माला के लिए गुरु ने बोला, प्रभुपाद ने बोला है। कितना पैथेटिक सिचुएशन है, और जिसको जस्टिफाई करते हैं, तो ये जस्टिफाई करते हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर हम इसलिए हम फिर फैनेटिक डिवोटी बन जाते हैं, न्यू फैनेटिक है। तो इसलिए ये बढ़ना चाहिए। और प्रभुपाद ने बार बार बोलते हैं, आप लोग खुद देखेंगे, तात्पर्य में एक तात्पर्य के बाद दूसरा तात्पर्य, तीसरा तात्पर्य, और इसको लोग नजरअंदाज कर देते हैं, ये लोग पढ़ते ही नहीं है। और उसको, और जहाँ अपना मतलब सिद्ध करना होता है वो चीज प्रपाद प्रपाद सेज दिस, प्रपाद सेज दिस, जो भी बराबर तो अपना सार प्रपाद को यूज करते हैं, लेकिन प्रपाद क्या चाहते हैं वो उसको मिस कर देते हैं। इसलिए हमारे जीवन में सब कुछ मिस रहता है, मिस्टेक, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसप्लेस। तो प्रपाद आपसे एक ही चीज चाहते हैं, कॉन्स्टेंट चैंटिंग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। राम बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़ा बड़ा बुक्स, बड़ा बड़ा काम, बड़ा बड़ा सब नाम स्वर सब ठीक है, लेकिन कांस्टेंट चैंटिंग के साथ होना चाहिए। कांस्टेंट चैंटिंग यदि नहीं है, सब डाउन होता है, फॉल डाउन, ऐसे कोलैप्स, धड़ 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 धड़, जैसे ट्रेडमार्क सिस्टम गिरता है, अमेरिका का टावर्स गिरता है ना, ऐसे ऐसे गिरेगा, कोई बिन लादेन आएगा, ऐसे गिरा के ऐसे टावर्स अटैक करके जाएगा, सर बराबर धड़ धड़ा के गिर जाएगा। तो वो ऐसे होता, बड़ा बड़ा पेड़ जैसे है, 20 साल से कोई पेड़ है, धड़ाम से गिरता है, वो खोखला हो गया, अंदर से खोखला ही हो गया था, ऊपर से लग रहा था कि बहुत बड़ा पेड़ है। तो ऐसे कोई 20 साल पीछे, 37 साल का डिवोटी है। हाँ, और डिवोटी कभी कभी डीमन जैसे व्यवहार करते हैं, इसलिए क्यों ऐसा? क्योंकि कृष्ण भावनामृत की कमी है। सब कुछ है, एक्सटर्नल सब कुछ है, लेकिन इंटरनल खोखला है, इंटरनल जो है, और केवल पावर पावर का लोग, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो पावर का लोग वो दिखाते, बराबर पावर का डराते हैं, पावर से, और पावर पावर का चलता है, नाम का नहीं चलता। जैसे एक जगह महाराष्ट्र में था, पवार इज द पावर, पावर इज द पावर, शरद पवार को लिखा था, शरद पवार का पवार इज द पावर, पावर इज पवार, जैसे नेपोलियन इज द फ्रांस, फ्रांस इज द नेपोलियन। प्रभुपाद बोले, नाउ वेयर इज द नेपोलियन, फ्रांस इज हियर, वेयर इज नेपोलियन। तो ऐसे नहीं, पावर का पावर नहीं चलना चाहिए, पोस्ट पोजीशन का पावर नहीं चलना चाहिए, वो भक्ति का चलना चाहिए, दैनता का चलना चाहिए, दासता का चलना चाहिए, और कांस्टेंट चैंटिंग होना चाहिए, हरे कृष्ण 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 कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे, हरे राम 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 राम। राम हमको राम। भक्तों से ज्यादा डर लगता है, बड़े भक्त बड़ा डर, अरे भक्तों से क्यों डरना चाहिए? भक्त लोग ऐसे व्यवहार करते हैं, उनके पास डर जाने में डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि शेर जैसे होते हैं, लेकिन शेर जैसे होते हैं वो बेचारा सियार पर पीछे भागता रहे, डरता रहता है। तो वास्तव में प्रेम से भक्तों से तो प्रेम होना चाहिए ना, उनके दे शुड बी अप्रोचेबल होना चाहिए, भक्तों तो बहुत नम्र होना चाहिए, तो उनसे क्यों डर लगता है? वो क्योंकि वही मेंटेलिटी, जो बाहर की दुनिया की मेंटेलिटी थी ना, और बॉस की और इसकी, तो वो भी यही है, केवल एड्रेस चेंज है, एड्रेस चेंज है, एड्रेस चेंज है, मेंटेलिटी सेम है। क्योंकि चाहे वो व्यक्ति ने भक्ति को, कॉन्शियसनेस को सीरियस लिया नहीं, गया ही नहीं है। तो प्रभुपाद ने यहाँ पे बोला है कि
कैसे किस चेतना को बढ़ाना चाहिए, कृष्ण भावना को बढ़ाना चाहिए। तो आप पढ़ेंगे, आप खुद जानेंगे, टेस्ट योर सेल्फ, मुझे बोलने की जरूरत तो नहीं, क्या लेकिन बोले मैं बड़े से दिखाऊंगा। वो अच्छी नहीं है सर। सॉरी, तो मैं केवल आपको दिखाऊंगा बस, लेकिन आप खुद देखोगे तो क्या आपको ललित कृष्ण पता। ब्रह्मा जो म्यूट नहीं किए, ललित हाँ ललित कृष्ण ब्रह्मा। हाँ ठीक है। तो अभी आगे किसको नाम बोला था पढ़ने के लिए? तो यहाँ पे अगला श्लोक आता है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। प्रभुपाद जी इसको कई बार इसको कोट किया है, इसको तो कितनी बार। तभी ललित कृष्ण प्रभु, विवेक प्रभु तैयार रहिएगा इसके बाद, ललित कृष्ण प्रभु के बाद। अंतकाले च मामेव स्मरणं मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्तत्र संशयः। पढ़िए, आप म्यूट किए हैं, हरि बोल। ललित कृष्ण प्रभु म्यूट किया आपने। अरे बाप रे। अंतकाले च मामेवम स्मरण मुक्ता कलेवरम यः प्रयाति समभावम याति नास्तत्र संशयम्। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज है, माम एवा, माम एवा, मेरा ही। अंतकाल में किसका स्मरण करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण भगवान का ही शरण करना। भगवान का गुरु कभी हो सकता है, कभी कभी बोलते हैं हमको गुरु को हो गया, प्रभुपाद को हो गया तो क्या होगा, निताई का हो गया, राधा रानी का हो गया, कृष्ण तो क्या होगा। बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होना चाहिए। मामेव में मतलब भगवान या भगवान के शुद्ध भक्त, तो भगवान शुद्ध भक्त भी भगवान से संबंधित रहता है। और जो है दूसरा चीज है कि भगवान भगवान को भी याद, कभी कभी कोई बोलते हैं मैं गुरु को याद करता हूँ मुझे कृष्ण याद नहीं आते हैं। नहीं, गुरु यदि वास्तव में याद करे तो कृष्ण याद आएंगे आएंगे, क्योंकि गुरु और कृष्ण इनसेपरेबल है। गुरु और कृष्ण को सेपरेट नहीं कर सकते हो, मैं गुरु याद करता हूँ कृष्ण, यदि गुरु को ऐसे याद कर रहे हो तो गुरु की बॉडी है, देह को देखा है, गुरु को देखा ही नहीं, देहात में बुद्धि है वास्तव में। तो गुरु को और कृष्ण को हम दो सेपरेट नहीं कर सकते हैं, गुरु वास्तव में कृष्ण को देने के लिए आए हैं। तो वास्तव में यहाँ पे भगवान का माम यो, तो भगवान का चिंतन बहुत जरूरी है। तो भगवान का नाम रूप छवि यहाँ नहीं बोला, कोई जप करता है, स्मरण करता है, क्या बोला है ये, कभी 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 बोलते हैं वो जीभ से बोला कि नहीं बोला, नाम बोलो, बोलो नाम, बोलो नाम, बोलो, चैंट करो, चैंट करो, जीभ हिल रही कि नहीं हिल रही, ये सब देखने की जरूरत अरे नहीं है, उसका हिल रहा जीभ के नहीं हिल रहा है। अरे क्या एक्सटर्नली देख पाओगे, वो तो बेचारा चेतना में अंत में कॉन्शियस कोमा में भी होगा, फिर लोग बोल देते हैं वो देखो उसका जीभ नहीं हिला, वो यहीं रह गया, ये गया ही नहीं, लोग अलग अलग कमेंट करते रहते हैं। चाहे उसको कुछ लोग बोलते हैं भगवत धाम चला गया, शायद उसको भगवत धाम छोड़ के आए हैं क्या और आप वापस आ गए हैं, तो वास्तव में ऐसा कमेंट भी कुछ भी कमेंट करते रहते हैं, यहाँ उसको भगवत धाम पहुंचा के आ गए और आप क्यों आ गए वहां से पहुंचा करके। ओ इसलिए कमेंट नहीं करना चाहिए ज्यादा, कुछ ऐसा बेमतलब का या कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे यहाँ भगवान क्या बोले, स्मरण बोले, क्या बोले, स्मरण। स्मरण में मैं जरूरी नहीं कि बोला याद करा जाए, मुंह से बोला जाए, आपके मन में कितनी सारी चीजें चलती रहती है लेकिन जीभ तो नहीं हिलती है, मन में भौतिक विचार कितने सारे चलते रहते हैं, जीभ तो नहीं हिलती है। तो उसी प्रकार नाम मृत्यु के समय आएगा नहीं आएगा, कोई बोलेगा नहीं, लेकिन मन में स्मरण तो कर सकता है ना, वो आया सकता है, तो इसलिए एक्सटर्नल नहीं जाना चाहिए, वो उसका जीभ हिला कि नहीं हिला, और देखो उस प्रकार से, और तेज से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, स्मरण मतलब रिमरेंस माइंड में आना चाहिए। तो पढ़िए प्रभु। यस तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी, इस श्लोक में कृष्ण भावना अमृत की महानता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावना अमृत में अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव मदभाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्धाति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्धाति शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया।
अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। तरोरिव सहिष्णुना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावना अमृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सकता है। हरे यहाँ पे कृष्णा। हाँ देखिए प्रभुपाद कितना बोल रहे हैं इस श्लोक में, कृष्णा भावनामृत की महत्ता, कृष्ण भावनामृत की महिमा, इम्पोर्टेंस बताया गया है। दूसरा चीज बताते हैं, ये भगवान का जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह अति शुद्ध होता है, शुद्धाति शुद्ध होता है। और अब कभी कभी लगेगा आप कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को आप समझ नहीं सकते हो एक्सटर्नल देख के। कभी कभी बोलते हैं डिवोटी बहुत क्लीन होते हैं, आयरन क्लीन, बढ़िया आयरन लगाया, कपड़े से फ्रेश होता है, डिटर्जेंट लगा के, वो आयरन क्लीन भी दिखेंगे लेकिन गंदे भी दिखेंगे। अबे अंदर अवधूत अवधूत ब्राह्मण होगा, 10 दिन से नहाया नहीं होगा तो क्या गंदा है क्या? क्लीन का मतलब केवल एक्सटर्नल क्लीन नहीं समझना चाहिए, डिटर्जेंट पर क्लीन, क्लीन का मतलब उसका चित्त शुद्ध है, जिसके हृदय में भगवान रहते हैं वो स्वच्छ है। स्वच्छ का मतलब, क्लीन का मतलब है जिसके हृदय में भगवान का वास हो गया, भगवान विश्राम कर रहे हैं वो क्लीन है, भले वो 10 दिन से ना नहाया हो। तो वास्तव में परमहंस को कौन पहचान सकता है? परमहंस लोग आपके शास्त्र की कैटेगरी में नहीं आते हैं। 24 गुण जो है, 26 क्वालिटीज है ना, उसमें जो क्लीन बोला, एक्सटर्नल इंटरनल, एक्सटर्नल क्लीन नहीं दिखेगा। तो वास्तव में क्लीन का मतलब क्या समझना चाहिए? क्लीन का मतलब है जिसके हृदय में भगवान अपना वास बना लिया है, जगह बना लिया है, वो क्लीन है। अरे वृंदावन क्लीन है क्या? वृंदावन क्लीन दिखता है क्या? कितना गटर, कितना ये, तो क्या वृंदावन को गंदा बोलेंगे? वृंदावन गंदा नहीं है, अभी हमारा मन गंदा है, वृंदावन गंदा नहीं है, वृंदावन तो स्वच्छाति स्वच्छ है। उसी पर भक्त एक्सटर्नल अनक्लीन दिख सकता है, लेकिन उसका जो कृष्णा यदि आ गए ना तो सारा सब चीज वो क्लीन वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा चीज है, जो जीव स्मरण, जो अशुद्ध जीव को स्मरण नहीं हो सकता। यहाँ भगवान ने सीधा बोला, अंत समय में कोई स्मरण करे मेरे पास जाए, कोई सोचेगा अभी मैं मर, अभी कान में रिवॉल्वर लगाऊंगा और बोलूंगा कृष्णा, ट्रिगर लगा दूंगा, ट्रिगर ठीक कृष्णा, और किल का ऐसे शॉर्ट कर दूंगा, या पॉइजन लूंगा और कृष्णा पॉइजन लाके खाओगे, तो क्या कृष्ण का स्मरण किया उसने? तो ये ट्रिक मेंटल ट्रिक नहीं है, ये कृष्ण का स्मरण करना मानसिक, यहाँ प्रभुपाद बोलते हैं मेंटल ट्रिक नहीं है, मेंटल ट्रिक से परे चीज है ये। जिसने जीवन भर अभ्यास नहीं किया है वो व्यक्ति, ये उसको संभव नहीं है। फिर बाद में प्रभुपाद बोलते हैं, जो जीवन के अंत में सफलता चाहता है कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है, अतः मनुष्य को निरंतर बोला है, क्या बोला है? निरंतर निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना। कभी कभी लोग भक्त बोलते हैं हमेशा जप क्यों करते रहते हो, हमेशा जप क्यों करते रहते हो, बस हो गया, क्लास में भी जप, हर जगह जप, हर जगह जप, जीभ क्यों चलाते रहते हो? अरे क्यों नहीं, वही तो करना है, नहीं बस सब जप कर लिया, अभी ये करो अभी ये करो, सोचते हैं कि कोई भी एक्टिविटी करो जप को छोड़ के करो, नहीं जप के साथ ही करना है। विश्वनाथ जी गोस्वामी बोलते हैं भक्ति संदर्भ में है, कोई भी एक्टिविटी यदि करते हैं इसमें यदि चैंटिंग नहीं करते हैं तो वो भक्ति भक्ति पूर्ण नहीं होती है। वो चैंटिंग, आप जैसे मंगल आरती कर रहे हो, ये चैंटिंग नहीं है तो मंगल आरती पूरी नहीं, वो रिचुअल्स हो जाता है। वास्को रिचुअल को स्पिरिचुअल कृष्ण बनाते हैं, चैंटिंग, एवरी एक्टिविटी शुड बी अकम्पनीड विद चैंटिंग। तो इस प्रकार से कुकिंग कर रहे हैं, कुकिंग में ना तो जीभ को चलाते रहना चाहिए, स्पर्श करना है, जरूरी तेज से बोलना है लेकिन जीभ हिलती रहना चाहिए। इसी को आस्वादन बोलते हैं, आस्वादन मतलब जैसे जैसे गुलाब जामुन जब खाते हो आप, आवाज आती है क्या गुलाब जामुन का स्वाद लेने का? अच्छा तो धीरे धीरे खा के बढ़िया अंदर ही अंदर खाते रहते हो, लेकिन स्वाद उसी प्रकार नाम का स्वाद लेना चाहिए। तो नाम का स्वाद के लिए जरूरी नहीं कि आवाज आनी चाहिए, आवाज आए या ना आए जीभ में अंदर स्पर्श रस का स्वाद करना चाहिए,
जीव में डालना चाहिए रस को, नाम को, नाम रस को। बोलते हैं ना ए, राधे राधे बोला करो, ना हरे नाम रस पिया करो, ऐसे लोग गाते हैं लेकिन बोलते नहीं है, कृष्ण रस पिया करो, तो ऐसे बोलने के लिए है, लेकिन वास्तव में जिंदगी में, जीवन में जीने के लिए चाहिए, केवल बोलना नहीं चाहिए, जीना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि प्रभुपाद बोले निरंतर हरे कृष्ण मंत्र करना चाहिए। निरंतर, निरंतर का मतलब होता है बिना अंतर के, मोमेंट आफ्टर मोमेंट आफ्टर मोमेंट निरंतर। जैसे हमारा सांस कभी रुकती है, कभी रुकती है क्या, 1 घंटे के लिए सांस रुक गई, कभी सांस रुक गई 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए गैप हो गया थोड़ा सा, सांस सो गए तो सांस भी सो गई, नहीं सांस चलती रहती है ना। तो नाम और श्वास एक हो जाना चाहिए ना, उसमें वास्तव में नाम जो श्वास को हटा देना चाहिए, श्वास का जगह कौन ले लेना चाहिए, नाम लेना चाहिए, श्वास का जगह नाम लेना चाहिए। और अभी आप लोग श्वास ले रहे हो तो पता चल रहा है कि श्वास लिया है, अनकॉन्शियसली श्वास ले रहे हैं ना। उसी प्रकार जपा अजपा, उसको बोलते हैं जपा जपा, जपा अजपा, जप भी अजप होना चाहिए। तो ये हमारा एस्पिरेशन होना चाहिए, लेकिन यदि हम अप्रिसिएट ही नहीं करेंगे तो कैसे एस्पायर करेंगे, कैसे अटेन करेंगे। तो कई बोलते हैं बाबा जी बन गए, बाबा जी बन गए, भजन कर रहे हैं बाबा जी, हम बाबा जी हमारा संप्रदाय नहीं है। अरे कौन बोल रहा है बाबा जी बनने का, आपको नाम लेने का है। नाम तो प्रभुपाद, प्रभुपाद तो सबसे बड़े बाबा जी हैं, प्रभुपाद तो सबसे बड़े बाबा जी, गौर प्रसाद दास बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा जी, हमारा बाबा जी है सब है, हर एक गुरु के बाद बाबा जी, क्योंकि बाबा जी का आश्रय मिला है सबको। तो गौर प्रसाद दास बाबा जी को आश्रय मिला, भक्त सिद्धांत को, प्रभुपाद को मिला, और भक्ति विनोद ठाकुर को आश्रय मिला जगन्नाथ दास बाबा जी का। तो कौन सब आश्रय तो लिए है ना, सब नाम, नाम ही हमारा प्राण होना चाहिए। तो इस प्रकार से कभी हम कुछ भी कमेंट कर देते हैं बिना सोचे समझे, तो इसलिए नाम का आश्रय लेना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और प्रभुपाद 2 बार एक ही लाइन के बाद दूसरा हरे कृष्ण क्यों बोल रहे हैं, क्या उनको लिखने का इतना टाइम है क्या, इतना इम्पोर्टेंस बताना चाहते हैं। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण मंत्र जप करना चाहिए, फिर मनुष्य को ब्रज के समान सही सुनना चाहिए, फिर बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 2 लाइन के बाद फिर हरे कृष्ण मंत्र देखते हैं, तो बोले बोले कोई बोले माइंड सनक गया है क्या, एक बार लिख दिया हरे कृष्ण, इस बार बोल देना चाहिए हरे कृष्ण मंत्र लिख, हरे कृष्ण मंत्र जप करना, ऐसा बोल सकते हैं ना। हम भी लिखते हैं लेटर में ना, HKMM PHMO प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओबेसेंसेस, क्योंकि इतना बार लिखने में टाइम जाता है, तो प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओबेसेंस को PHMO लिख देते हैं, AGSSP लिख देते हैं। तो प्रभुपाद भी लिख सकते थे HKMM हरे कृष्ण मंत्र जप करना चाहिए, फिर प्रभुपाद क्यों बोलते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो क्यों ऐसा बोल रहे हैं प्रभुपाद, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता क्या, 2 लाइन के बाद फिर लाइन बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद चाहते हैं कि यही देना, सब समझ में आए ना आए लेकिन एक चीज समझ में आना चाहिए कि हरे कृष्ण मंत्र जप करना है तो कॉन्स्टेंस करना है, दैट ये सक्सेस है। ये भक्ति शास्त्री का सक्सेस यही है, भक्ति शास्त्री, हम शास्त्र को लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, तो भक्ति उससे तो ये भक्ति आना चाहिए। और आगे बोल रहे हैं इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत में कृष्ण भगवान का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। तो करते रहना चाहिए तो पूरा लाभ तभी प्राप्त होगा। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं। अभी आपको विराम देंगे, अभी कुछ किसी को कुछ प्रश्न है तो उसके लिए, प्रश्न के लिए वो देंगे। हाथ खड़ा कीजिए, प्लीज रेज योर हैंड फॉर क्वेश्चंस नॉट फॉर रीडिंग। तो आप लिए जो जिनके पास क्वेश्चंस हैं वही रेडी रेज कीजिए, और लोग आप अपने डाउन कर लीजिए। यस विवेक प्रभु बोलिए प्रश्न। जी, ये जो श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमें जीवन के अंत में कृष्ण भावनामृत का पूरा लाभ प्राप्त हो सके, और प्राप्त होने के लिए प्रभु जीवन का अंत में लाभ प्राप्त होने के लिए बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी की निरंतर हमें जप करना है। तो जैसे हम जब सो जाते हैं, सोते समय सोने सोने के बाद हम अनकॉन्सियस हो जाते हैं, जैसे कि हम सोते हैं ना, तो सोने के बाद हमारा जैसे मन मन कार्य करता है ना, मन चलता रहता है और मन से एक्टिविटी होता है ना, जिसे भगवान बोलते हैं ना कि एक क्षण भी हम नहीं नहीं कार्य नहीं के। है, मैं आपकी बात को समझ गया। आप क्या कहना चाहते हो कि आप हाँ, निरंतर जप करते हैं, सोते समय कैसे जप करेंगे, ऐसा कह रहे हो ना, ऐसा प्रश्न है आपका। सोते समय प्रभु जी, जैसे
हमारा भगवान का स्मरण हमारा नहीं रहता है। हम जब सो जाते हैं तो अनकॉन्शियस हो जाते हैं ना, तो उसमें क्या है कि सपना आता है या अंडमन कुछ भी मन में इसके द्वारा हमारे दिमाग में चलता रहता है। जब हम सोते रहते हैं, जैसे हम कोई लोग एकदम बहुत बेहोश मतलब पूरी तरीके से सो जाते हैं, कुछ लोग एक्टिव अवस्था में सोते हैं, जैसे कि उनका चेतना रहता है, वो सोते हैं तब भी उनको लगता है कि वो सोए नहीं है, उनको ये समझ में आता है कि हम पूरी तरीके से नहीं गहरी नींद में नहीं सोए हैं, तो चेतना उनका जागृत रहता है। कुछ लोग एकदम अनकॉन्शियस हो जाते हाँ हैं। ठीक है, आप डिटेल मत बताओ, बहुत हो गया, समझ गया आपका क्वेश्चन क्या है, फाइनल क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन ये ब्रो जी कि जो आप बता रहे हैं कि सोते समय भी हम भगवान का स्मरण, भगवान का हरे कृष्ण का महामंत्र का जप या भगवान का स्मरण कैसे कर सकते हैं, वो नहीं हो हाँ पाता, कैसे कैसे नहीं हो नहीं पाएगा? सुनो, नहीं ऐसा मत बोलो नहीं हो पाएगा, ये किसको नहीं नहीं, आप हो नहीं पाता है, हो नहीं पाता है, कैसे हो पाएगा ये मैं पूछ रहा हूँ, हो नहीं हाँ पा रहा, हो नहीं तो पा रहा। उस नहीं उसका चिंता मत करो, और नहीं हो पा नहीं, अभी दिन में करते रहो, रात का चिंता मत करो, पर दिन का चिंता करो, रात का चिंता, रात ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी प्रश्न उठता है दिन में अलग अलग, रात में सपने आते रहते हैं, ये आते हुए आते हैं, सपने क्यों आते हैं रात में, क्योंकि दिन में सोचा होगा वो चीज, इसलिए रात में आया है, दिन में सोचा नहीं है तो रात में नहीं आएगा, तो दिन में क्यों सोचा, दिन में खूब किस कंटिन्यूस चैंटिंग करो, रात में फिर अब आपको वो सपने आएंगे आएंगे, बाद में सपने धूमिल हो जाएंगे सपने, ऐसे तुम ऐसा मत करो, अभी स्विच ऑन कर दिया है, आज से सपने आना बंद है, आज से कृष्णा कंटिन्यूस, ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, जैसे जन्मों जन्मों का संस्कार है ना, तो ये ग्लास में यदि स्याही डाले, स्याही है, नीला स्याही है, तो उसमें आप निकालना है तो क्या करोगे, ग्लास में ये नीला स्याही है और इंक है भरा हुआ है, उसको निकालना है तो क्या करोगे, ग्लास को उल्टा कर दोगे, वो ग्लास उल्टा नहीं होगा, ग्लास से स्याही भी निकालना तो क्या करोगे, बोलिए। हाँ वो पेन जो होता है ना, वो उसमें डाल के निकालेंगे ना पेन से। हाँ अरे बुद्धि आप बहुत लगाते हो, बुद्धि थोड़ी बुद्धि को साइड भी करो, वो पानी पानी डालते रहो उसमें, पानी डालते रहो, पानी डालते रहो, पानी डालते रहो, तो पानी डालते डालते वो पानी धीरे धीरे स्याही डार्क होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, कम होगा, फिर बाद में पानी सफेद हो जाएगा, अपने मन में रात का चिंता मत करो, दिन का चिंता करो, रात में रात को चिंता मत करो, रात को तुरंत रात में मत चले जाते, दिन के सोचते नहीं हो रात को चले जाते हो, तो पहले रात दिन में कंटिन्यूअस आप करो तो आपके ऊपर रात का होने लगे, नेचुरली आ जाएगा, कई जन्मों का संस्कार है, 1 साल में 2 साल में कैसे सोचते हो कि सब दूर हो जाए, तो ऐसा खिलौना थोड़ी है, बटन सिस्टम थोड़ी है, तो आप उसको अर्थ की चिंता करो, अर्थ चिंता मत करो, और रात की चिंता मत करो, दिन की चिंता करो, दिन रात आपके हाथ में नहीं है, दिन आपके हाथ में है, तो दिन ठीक रहेगा तो रात ऑटोमेटिक गुड नाइट रहेगी, बैड डे है तो बैड नाइट, गुड डे है तो गुड नाइट, हम गुड नाइट कहने से गुड नाइट नहीं होता है, गुड नाइट गुड नाइट, बैड डे पूरा पूरा बैड डे बिताया है और जाके रात में बोले गुड नाइट, किसी गुड नाइट हैप्पी न्यू ईयर आने के बाद हर लोग हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, मटेरियलिस्टिक हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर, और उनके कहने से हैप्पी न्यू ईयर थोड़ी हो जाने वाला है, पूरा अनहैप्पी लोगों को इतना दुख तकलीफ दिया है पूरे साल भर, बाद में हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे तो हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा कहने से, तो प्लीज माइंड योर डे, आप डे देखो, नाइट को बारे चिंता मत करो, और क्या पूरे सपने आते हुए आते हैं, सब आते हैं, सब चले जाएंगे धीरे धीरे, सब चले जाएंगे, सब सफाया हो जाएगा धीरे धीरे, बस उत्साह रखो, निश्चित धैर्य रखो, ठीक है, हरि बोल हरे कृष्णा। मुझे भी बुरे सपने आते हैं, लेकिन अभी कम हो गए आने हैं सपने, तो अभी अभी नहीं आते, अभी बहुत कम आते हैं, तो इस कहने का मतलब ऐसे नहीं आएंगे आपको, लेकिन आप करो, तो पहले करते नहीं हो बोलते जो, तो इस वजह से थोड़ी होता है, तो पहले करना सीखो आप, उसका फिर बोल, ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का, हाँ अभी कोई किसी का प्रश्न नहीं तो आगे बढ़ते हैं, फिर तो गो अहेड, आप लोग शांत क्यों है, क्यों बोल क्यों नहीं रहे हैं इतना शांत, विवेक के प्रश्न बहुत रहते हैं, नाम विवेक है और पूरा प्रश्न ऐसा रहता है, विवेक कहाँ चला जाता है, विवेक नाम का है बस, विवेक विवेक दास है, अंधस मिहृत विवेक महाधनस्य चौरे प्रभु बलवीर इंद्रिय नाम दे, अंधस में आपके विवेक को हर लिया है, अंधस में विवेक विवेक महाधनस्य चौरे प्रभु बलवीर इंद्रिय नाम दे, मोह अंध कूप कोहरे बिन पतस्य देवे से देहि कपटस्य करावलंबम, ये जो है गुरुशेखर महाराज बोलते हैं कि मेरे विवेक को हर लिया है, कौन हर लिया है, तो
बोलते चोरों ने हर लिया है। कौन है चोर? बोलते इंद्रियां, मेरी इंद्रियां चोर है, इंद्रियां नाम धेया। और क्या कर दिया है ये चोरों ने? मेरे विवेक को हर के, विवेक प्रभु आपको हर लिया है चोरों ने। अब मोह अंध कूप कोहरे डाल दिया, मोह के अंधे कुएं में फेंक दिया है, हाथ पैर बांध करके। देवे से देही कपण से कर, हे देव आप पुकारते ही नहीं हो, पुकारना चाहिए, हे देव देव कृपण से कराओ लंबम, मुझे उद्धार करो। इनका रोदे हो, कभी रोए हो? रोना सीखो, कभी रोए हो? रोए भगवान के लिए रोए हो, अनर्थों के लिए रोए हो क्या? जब तक रोगे नहीं तो कैसे निकलेगा? तो रोना सीखना चाहिए, नाम नाम के लिए रोना, दुनिया के लिए रोना नहीं, नाम के लिए रोना चाहिए, नाम लेते लेते रोना चाहिए, अपने अनर्थों के लिए रोना चाहिए। When you cry, 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 तो फिर भगवान की दया आएगी, तो कर से फिर निकलेंगे। इतना आसानी से सपाटा नहीं होने वाला सब चीज, तो हमारे मानस पटल से तो टाइम लगेगा, इसलिए धैर्य रखो और दिन की चिंता करो, रात की चिंता मत करो। इस प्रकार से यस राजशेखरन प्रभु हरे कृष्णा प्रभु यस क्लियर। प्रभु यस प्रभु Anyone who quits his body in Krishna consciousness is at once transferred to the transcendental nature of the Supreme Lord, right? Yes, yes. Some of even our devotees, they left the body due to accident in the daytime. Will yes. they remember? Yes, yes. No problem. Doesn't matter. Oh, accident hua, koi bhi dent hua hai. वो कहीं भी हो है, रिमेंबरेंस डजंट डिपेंड ऑन और नाइस एटमॉस्फेयर, सूदिंग एटमॉस्फेयर, सब लोग चैंटिंग कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, डजंट रिमेंटर। वो इतना फास्ट होता है वो, और रिमेंबरेंस उतना होगा कि वो हो जाएगा। और दूसरा चीज है कि एक्चुअली वी आर नॉट एबल टू नो व्हाई, बिकॉज हम जान नहीं पाते कि हम सोचते हैं, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति इंटरनल कॉन्शियसनेस उसको पता चलता है, तो वो करके चला जाए। अब जैसे तमाल कृष्ण गोसाई महाराज, When he leave the body, accident हुआ, उन्हें शरीर पहले एक्सीडेंट होने के पहले शरीर छोड़ दिया था, पर ऐसा लग रहा है ओहो एक्सीडेंट हुआ होगा, बहुत पेन हुआ होगा, कैसे कृष्ण का स्मरण किया होगा। ये सब कृष्ण की शक्ति और योग माया शक्ति से होता, हमारे भौतिक चिंतन से हम तो बाहर है, हम बाहर कैसे समझ सकते हैं अंदर क्या चल रहा है व्यक्ति के जीवन में। इस प्रकार से तो डॉक्टरों ने बताया था एक्सीडेंट होने के पहले ही लेफ्ट बॉडी को कुछ पोस्टमार्टम से ऐसा बताया था। हालांकि पोस्टमार्टम वाले बताए ना बताए डजंट मैटर, शास्त्र ही बोलता है कि वो भगवान जो उसको पहले से उठा के ले जाते हैं, कैसे करेंगे रिमेम्बरेंस करके बाद में शरीर एक्सीडेंट होता है। ये मशीनो सीन से भगवान का जो बहुत पड़े है, भगवान इसलिए बोलते हैं तेसा में अनुकम पार्थम, नहीं तेसा में समुद्रता मृत्यु संसार सागरात ना भवामि चिरात पार्थम मैया वैसी चेतता। तो मैं उसको सद्धर्थ उद्धार करता हूँ। कभी कभी लग रहता है इतना फास्ट हुआ है, उस समय स्मरण करने का टाइम ही नहीं मिला होगा, ऐसा नहीं होता है। वो स्मरण करने के लिए बहुत घंटों की जरूरत नहीं होता है, नैनो सेकंड चाहिए, नैनो सेकंड भी चाहिए, नैनो माइक्रो सेकंड भी काफी होता है। तो हो सकता पॉसिबल है प्रभु इसमें, बट दिस ओनली इंडिविजुअल कैन अंडरस्टैंड, नॉट अदर पर्सन आउटसाइड पर्सन कैन अंडरस्टैंड, तो इट इज पॉसिबल ओनली, दैट इज पावर ऑफ कृष्ण शक्ति कृष्ण। वी शुड हैव फेथ, we should have faith, इसलिए devotee become fearless। तो बताया गया कि तमाल कृष्ण महाराज he left before accident, he left the body before accident, just moment after accident before left the body। तो ये ऐसा है ना, जैसे घर में रह रहे हो, आग लग रही है, आग तुरंत निकल गया, पक्षी उड़ गया, तो अब बाद में घर जो धराशायी हो जाए अलग। अभी हम क्या होता है, घर और आत्मा को, देह और देही को साथ में समझते हैं ना, आत्मा कभी उठ सकता है, जा सकता है। ये भक्त के लिए लागू होता है, भक्त के लिए, अभक्त के लिए नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है प्रभु, थैंक यू, हरी बोल, हरे कृष्णा। सो विल गो हेड, तो अभी हाथ खड़ा करिए पढ़ने के लिए, अभी कौन नहीं पढ़े है अभी तक? हाँ विवेक पढ़िए, आप आपने नहीं पढ़ा, पढ़ा था ना, रुको विवेक नहीं पढ़े थे शुरू में, फर्स्ट श्लोक कौन पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा था सर? फर्स्ट वाला में किसी का नाम लिया था ना, वो फिर पढ़ा था। हाँ कोई, हाँ एक बार तो शुरू में आप पढ़े, ठीक है अभी और ऐसा नहीं पढ़ा मैं, ओके ठीक है आप पढ़िए। यम 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 वापि स्मरण भावा यजन्ते कलेवरम्
सदा तद्भाव भावित से पढ़िए, फिर से पढ़िए श्लोक। यम 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 वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम वैति कौन्तेय सदा सदा तद्भाव भावित। हे कुंती पुत्र, ट्रांसलेशन हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तात्पर्य यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है। यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे? महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलता पूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। हाँ, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसा केवल अंत में स्मरण हो, लेकिन स्मरण का मन मेरा ही करना चाहिए। बाद में जो भाव का स्मरण करेगा वो भाव को प्राप्त करेगा। तो ऐसा बोला जाता है कि मृत्यु के समय एक मूवी दिखाई जाती है। मूवी मूवी जब है ना, मूवी में फाइनल फर्स्ट ऐसा सब चीज आता है, हमारे जीवन जो जो किया है सब दिखेगा। और जिससे भी अटैचमेंट रहेगा उस चीज में रुक जाएगा। जहां पे अटैचमेंट रहेगा, जहां पे हम जो ज्यादा हम आसक्त थे जो चीज को, उसी चीज में रुक जाएगा। तो इसलिए हमारा भावना को बदलना, भाव को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे भरत महाराज को भी हिरण का स्मरण हुआ था, इसलिए उनको हिरण बनना पड़ा। तो जीवन भर के विचार हमारे संचित होकर मृत्यु के समय आते हैं, प्रभावित करते हैं, अतः है उसका अगला जीवन बनता है। तो लेकिन यहाँ प्रभुपाद बहुत महत्वपूर्ण बोलते हैं, अगर कोई इस जीवन में सत्वगुणी होता है, मतलब आपको इस जीवन में क्या होना चाहिए, सत्वगुण में रहना चाहिए, सत्वगुण में रहने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरा निरंतर कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, निरंतर कृष्ण का चिंतन करना और सत्वगुण में रहना, ये प्रयास है ये हमारे। तो प्रश्न पूछना चाहिए हमको अपने आप में, हम सत्वगुण में है कि नहीं है, सत्वगुण में है कि रजोगुण में है, तमोगुण में है। तो सत्वगुण में रहने का प्रयास करना चाहिए और निरंतर कृष्ण का क्या करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। निरंतर निरंतर कृष्ण का चिंतन होना चाहिए। तो हमें देखना चाहिए कि हमारा चिंतन होता है कि नहीं होता, कृष्ण का चिंतन। कृष्ण को कब भूले, कृष्ण को कब भूले? कभी कभी हमको लगता है कृष्ण को कब याद किया एक प्रेमिका से पूछता है, प्रेम का पूछती है, तुम मुझे याद करते हो, तुम मुझे याद करते हो? तो प्रेमी कुछ बोलता नहीं है। फिर पूछती है, तुम मुझे याद करते हो? फिर कुछ नहीं बोलता। फिर बड़े मुश्किल से बोलता है, तो प्रेमी क्या, प्रेमिका पूछती है, क्या सोच रहे हो, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दो। तो प्रेमी क्या बोलता है, मैं याद कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ मैं तुमको भूला कब, तुमको मैं भूला कब। याद तब किया जाता है जब भूला जाता है ना याद करना, जैसे कोई चीज गुम गई तो याद, अरे मेरा इधर गुम गया, याद आ गया ना। तो वास्तव में हमारा याद नहीं करना, हमको भूल इसलिए बोला गया है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा, सततम स्मर्तव्यम विष्णु, विस्मृत्यम विस्मर्तव्यम न जातुचित।
सर्वे विद निषेधस्य तैव किंकरः। तो सारा जप तप पूजा तपस्या पढ़ाई अध्ययन सब सेवा सबका एक ही उद्देश्य है, सब एक ही नियम है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा। एंड साथ में ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा बोल दिया तो फिर नेवर फॉरगेट कृष्णा क्यों बोला? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, तो फिर एक इंस्ट्रक्शन बोला, दूसरा बोला नेवर फॉरगेट कृष्णा, दिस अगेन बोल दिया नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो अभी हमको ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा का प्रयास करना है, और यहाँ साथ साथ हमको नेवर फॉरगेट कृष्णा, नहीं कृष्ण को कभी नहीं भूलना। तो अभी हमको पूछना चाहिए खुद का, अपना अपना इन्वेस्टिगेशन। हम दूसरे का इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं, अपना नहीं करते हैं, दूसरे को जज करते रहते हैं। लेट डोंट जज अदर्स, लेट जज्ड बाई अदर्स, ये जज योर सेल्फ। हमको खुद को जज करना चाहिए, हम जज, हम खुद के जज बनना चाहिए, दूसरों के जज नहीं बनना चाहिए। तो हमको देखना चाहिए कि हमको स्मरण होता कि नहीं होता। स्मरण होगा तो मरण से बच जाएंगे, स्मरण एंड मरण। तो स्मरण यदि भगवान का है तो जन्म की मरण नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। इसलिए तो हमेशा यहाँ बोले तो इस प्रकार से, और यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं जीवन के अंत समय में अपने स्वभाव को सफलता पूर्वक बदलने के लिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। बहुत सारी विधि है, उसमें से सबसे टॉप मोस्ट विधि क्या है? चैंटिंग। जप के समय आप कौन सा योगा करेंगे, जप के समय क्या रीडिंग करेंगे, जप के समय क्या करेंगे, डीटी सेवा करेंगे क्या, जप के वो सारी, मृत्यु के समय क्या करेंगे, मृत्यु के समय कौन सा सेवा कर सकते हैं? मृत्यु के समय केवल एक ही सेवा हो सकती है, वही रेम्बरेंस कृष्णा या चैंटिंग जो किया, चैंटिंग। इसलिए चैंटिंग 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 भक्त गौर कृष्ण वो जो बोलते हैं राधा परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज, जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि असंशय। जप से सिद्धि मिलेगी, जप से सिद्धि मिलेगी, जप से सिद्धि मिलेगी, जप के उसमें कोई संशय नहीं है। तो इसी प्रकार से तो हमारा वो बुद्धि होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि मेरे क्लास भक्ति शास्त्री होने के बाद या आप लोग का जप बढ़ जाएगा, जो भी करते हैं उसे जरूर बढ़ाएंगे, केवल 16 माला तक नहीं रहेंगे। यही दक्षिणा है, यही आपसे दक्षिणा है चाहिए, ये केवल 16 माला तक नहीं होना, 16 से 17 में पहुंचना चाहिए, 17 18 20 ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है, यदि आप दक्षिणा नहीं देंगे तो अच्छा बात नहीं है। इसलिए प्लीज हमारा चैंटिंग बढ़ना चाहिए, और एक दिन दो दिन के लिए नहीं, रोज का 16 से 17 में पदार्पण होना चाहिए। अरे 2024 चल रहा है, 16 हो गया, 18 हो गया, 19 20 21 22 23 24 हो गया, तो 24 में आना चाहिए, 2024 में 25 पहुंचना चाहिए। और जो लोग 15 साल 20 साल गुजार दिए हैं उनके लिए, तो यदि कोई नया व्यक्ति वो भी 16 कर रहा है और हम भी 16 माला कर रहे हैं, तो हम में और उसमें क्या अंतर है? जैसे कोई कंपनी में काम करता है, 10,000 मैनेजर भी कमाता है, 10,000 वार्ड बॉय भी कमाता है, 10,000 क्लीनिंग करने वाला, तो मैनेजर और उसमें क्लीनर में क्या अंतर है? तो कुछ तो अंतर होना चाहिए ना, डिफरेंस होना चाहिए। तो प्लीज इंक्रीज राउंड्स, चैंटिंग करना चाहिए, केवल रूटीन नहीं, केवल ऐसा नहीं, ये बहुत जरूरी है। कोई कोई बोलेंगे नहीं, बहुत कम लोग बोलते हैं, नहीं बोलेंगे, लेकिन हमको अपने सोचना चाहिए, दिस इज अवर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस प्रकार से तो मधु श्रेष्ठ प्रभु आगे पढ़िएगा। नहीं, नहीं, अरे किस्ता प्रभु जी, अखिलेश प्रभु पढ़ेंगे प्रभु जी? अच्छा अखिलेश प्रभु को बोला था, ओके नहीं, यस, मैं, हम दोनों एक ही कैमरे एक ही हाँ मोबाइल हाँ से पढ़े, हैं। कोई प्रॉब्लम, पढ़ सकते हैं अखिलेश प्रभु, यस। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध च मई अर्पित मनोबुद्धि माम संशय। थोड़ा तेज से पढ़िए, आवाज बहुत कम आ रहा है, दबा दबा आ रहा है आपका आवाज, एनर्जी जैसे नहीं लग रहा है। हाँ तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध युद्ध च मई अर्पित मनोबुद्धि माम संशय। पढ़िए अनुवाद।
अथवा हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो हमको अपने में विश्वास नहीं होना चाहिए, हमको कृष्ण में विश्वास होना चाहिए। किसमें विश्वास होना चाहिए? कृष्ण में विश्वास होना चाहिए। कृष्ण बोल रहे हैं निश्चित मुझे प्राप्त करोगे। यदि हमको डाउट क्यों होता है, यदि हम जो कृष्ण की बात करेंगे, यदि हम कृष्ण पर मन लगा रहे हैं, हमेशा कृष्ण का चिंतन करेंगे, तो हमको कृष्ण क्यों नहीं मिलेंगे? कृष्ण अवश्य मिलेंगे, ये हमको विश्वास होना चाहिए। अब क्यों विश्वास है ऐसा हमको? क्योंकि कृष्ण ने ऐसा कहा है, कृष्ण कह दिए ना, ये कृष्ण कह दिए तो ये विश्वास है। तो हम हमको हमको कभी कभी होता है, हमको अपने माइंड पे बहुत विश्वास होता है, हमारे माइंड पे कृष्ण पे विश्वास नहीं होता। लेकिन फेथ इन कृष्णा स्टार्ट्स व्हेन यू लूज फेथ इन योर सेल्फ। व्हेन यू लूज फेथ इन योर सेल्फ देन फेथ इन कृष्णा स्टार्ट्स। समझ में आ रहा है क्या बोला? जब अपने में श्रद्धा कम होता, विश्वास कम होता है, तब आप हेल्पफुल तब बनोगे जब हेल्पलेस हो जाओगे। आप हेल्पलाइन तब मिलेगी जब हेल्पलेस हो जाएंगे। जब तक आप सोचते हो मैं हेल्प कर लूंगा, सेल्फ हेल्प कर लूंगा, यू कैन नॉट आस्क हेल्पलेस हेल्पलाइन। तो एक्चुअली व्हेन यू लूज फेथ इन योर, लूज फेथ इन योर सेल्फ का मतलब क्या है? भगवान मेरे से तो नहीं हो सकता है, आपकी कृपा से आप चाहे तो करा सकते हैं, मेरे से तो नहीं हो सकता, मेरे मन बुद्धि इतने चंचल स्थिर है, मैं आपको स्मरण नहीं कर सकता, आप कराएं। आपने बोला है ना मैं स्मरण करने का प्रयास करता हूँ, आपने बोला है कि निश्चित रूप से आऊंगा तो मैं आऊंगा, कृष्ण ने बोल दिया है आएगा तो आएगा। अब कृष्ण की बात को कौन काट सकता है? कृष्ण की बात को कौन काट सकता है? इसलिए हमको अपने पे नहीं, कृष्ण पे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। अपने से ज्यादा प्रॉब्लम होता है, अपने को माइंड पे ज्यादा विश्वास है, कृष्ण पे नहीं होता। तो ये बहुत जरूरी है। तत्पर पढ़िए। अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसे प्रभुपाद बोल रहे हैं, कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। नाम से धाम तक, नाम से धाम तक, तो नाम ही आपको धाम में लेके जाएगा, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमको हमको हमारे जीवन में क्या पकड़ना चाहिए? आपके जीवन में क्या प्रायोरिटी है? हमारे जीवन बहुत सारी प्रायोरिटी होती है, लेकिन व्हाट इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इट शुड बी? राजशेखरन प्रभु, व्हाट इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी शुड बी एंड व्हाट इज योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी? ऑलवेज चैंटिंग, ऑलवेज रिमेंबरिंग कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। Yes, this should be, and how it can possible? Always remember Krishna, ever for Krishna. More simpler way. By chanting Hare Krishna. Continuous chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram. That will come next purport. Prabhupada says again. He says next purport may open hoga. So these things. So I'll abhi main thoda isme dekhi. Just share karunga screen. So yahan pe panchwa. कृष्ण कॉन्शियस मीन्स योर अष्ट पर हो गया अंतकाले। अब यहाँ हाउ टू प्रैक्टिस रिमेंबरेंस टू बी इफेक्टिव एट द टाइम ऑफ डेथ, लिव इन द मोड ऑफ गुडनेस, लाइफ डेडिकेटेड टू सर्विस ऑफ कृष्णा, ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा, कांस्टेंट एंड इंसिस्टेंट चैंटिंग ऑफ होली नेम बेस्ट प्रोसेस। श्री प्रभुपाद ने इसको बोले हैं कि मेंशन फुल हरे कृष्णा महामंत्र 3 टाइम्स इन टेक्स्ट 8.5 एंड 8.6 स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंट ऑफ दिस प्रोसेस। और छठवें में हमारा जो है क्रूशियल टाइम ऑफ डेथ, तो कैसे प्रकार से कृष्ण का स्मरण करते हैं। अभी छठवें और सातवें के बीच लिंक क्या है? अर्जुन में आई थिंक रिमेम्बरिंग इज बेटर देन एडवाइस देन फाइटिंग।
तो अभी भगवान ये श्लोक क्यों बोले तस्मात सर्वेश कालेषु। तो अर्जुन सोच रहे हैं अरे भगवान बोले स्मरण करो स्मरण करो, भगवान बोल रहे हैं नहीं 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 स्मरण तो करना है लेकिन अपना ड्यूटी भी करना है उसको, तो दोनों चीज करना है। ऑलवेज थिंक ऑफ मी इन द फॉर्म ऑफ कृष्णा एट द सेम टाइम कैरी आउट योर फाइटिंग लॉर्ड प्रॉमिस दिस गोल सिक्योरिटी ऑफ अटेनिंग कृष्णा प्रिंसिपल। तो प्रैक्टिस ऑफ रिमेम्बरिंग कृष्णा बाय मेंटल, मन से क्या करना है मेंटल फिजिकल इंटेलेक्चुअल एंड रिजल्ट। तो मन में क्या करना थिंक ऑफ हिम इन द फॉर्म ऑफ कृष्णा, हाउ कृष्ण को कैसे थिंक करे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। कृष्ण को थिंक करना है मेंटल तो कैसे हरे कृष्णा से, फिजिकल कैरी आउट प्रिस्क्राइब ड्यूटी ऑफ फाइटिंग डेडिकेटेड टू मी, इंटेलेक्चुअल माइंड इंटेलिजेंस फिक्स्ड ऑन मी, रिजल्ट फ्रीडम फ्रॉम ऑल मटेरियल कंटामिनेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ अटेनिंग मी। तो भगवान को सोचना है भगवान का अपने हमको जो कार्य दिया है, मुंह में नाम हाथ से काम, तो मुंह में नाम, मुंह में नाम टंग में तो नाम रहना चाहिए, जैसे लोगों के मुंह में गुटका रहता है गुटका, गुटका या कुछ और खाते रहते हैं, हमारे जीव में हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद बोलते हैं हमारे बहुत सारी इंद्रियां हैं, उसमें सबसे बड़ी शक्तिशाली इंद्रिया कौन सी है जो जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है? मन। हाँ वो ठीक है, ग्रास इंद्रिय, ग्रास इंद्रिय जीवा 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 जीवा, तार मध्य जीवाती लोभ मोह सुदर में, ताकि जेता कठिन संसारे, ताकि जेता कठिन संसारे, इस संसार में जीत को जीतना, जीवा को जीतना, यावत जीव जी तावत जीत ना जीवित जितेंद्रिय से, जब तक जीव को नहीं जीतता है तब तक वो जीव वो उसको जितेंद्रिय नहीं बोला जाता, भागवतम के 11th कैंटो में आता है, रसन रसम जीवित तावत जितेंद्रिय से, रस को जीत लिया। तो प्रभुपाद बोलते हैं जीव को कैसे जीतेंगे, तो बोल रहे हैं जीव को जीतने के लिए प्रभुपाद बोलते हैं दो चीज करना चाहिए, करेगा तो जीत सकता है। क्या दो चीज करना चाहिए? पहले जीव का काम क्या है, जीव का काम है दो, बोलना और दूसरा खाना, स्वाद लेना, खाना बोलना और खाना। तो बोल तो उसको प्रभुपाद फिर बोलते हैं वन शुड टेक वाउ, वन शुड टेक वाउ, क्या वाउ? आई विल ईट ओनली कृष्ण प्रसाद, आई विल ईट ओनली कृष्ण प्रसाद फर्स्ट, सेकंड आई विल स्पीक ओनली अबाउट कृष्णा, कृष्णा और अबाउट कृष्णा। अभी हम कृष्णा के बाद कृष्णा के बारे में या कृष्णा के बारे में ना बोल के और कितना सारा बोलते रहते हैं, अब बोलते हैं हम जीव जीत जाएंगे और फिर बाद में गॉसिप होता है क्या क्या होता है, हाँ इधर क्या चल रहा है उधर क्या चल रहा है, क्या लफड़ा चल रहा है, क्या इसके साथ क्या लफड़ा चल रहा है, क्या हो गया ये जीव बोलते हैं, लफड़ा सुनना चाहते हैं लफड़ा करना चाहते हैं, लफड़े में फंस जाते हैं, एक दिन खुद सुनते सुनते लफड़े में फंस जाते हैं, तो ये स्कैंडल वो स्कैंडल। तो जीवा ये सुनना चाहती है तो फिर कैसे जीतेंगे, कहा कृष्ण है, कृष्ण नहीं है तृष्णा है, तो कृष्णा की जगह तृष्णा है प्यास। तो वास्तव में जीव तो दो चीज कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए और कृष्ण का प्रसाद कर। अभी हम कृष्ण के प्रसाद के नाम पे क्या क्या खाने लगे हैं, ये भी चलता है वो भी चलता है, गिरिराज से चलता है गिरिराज पेड़ा, अभी गिरिराज पेड़ा गिरिराज का ये गिरिराज का वो चलता है, गिरिराज भंडार गिरिराज से यह चलता है, और महाराज ने बोला है, बहुत सारे लोग बोलते हैं महाराज ने बोल दिया है सोन पापड़ी खा सकते हैं गिरिराज से, फिर सोन पापड़ी खाते थे अभी कचौड़ी भी खाने लगे, समोसा भी खाने लगे अभी और चिक्की भी खाने, सब चलने लगा, थोड़ा कभी एक बार बोल दिया होगा महाराज ने तो अभी महाराज के नाम पे सब खाने लगे, मुझे बहुत आश्चर्य होता है। और कभी कभी सात संग में रहने के कारण से मैं मुझे भी खाना पड़ता है, मैं भी खा लेता हूँ कभी कभी, दुर्भाग्य लगता है, अरे क्या होता है संग का असर पड़ता है ना, तो फिर चलता है, फिर फीस्ट भी चलता है, रसमलाई भी चलता है, चमचम भी चलता है, और वृंदावन में तो कहीं भी खा लो, वृंदावन में तो कहीं भी खा लो, सब प्रसाद ही है प्रसाद है, भोग लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो फिर ऐसे तम्बाकू खा देते हैं गुटखा खाने वाले और ये गाली देने वाले, गाली दे उनका हाथ का बनाया खाएंगे और फिर बोलेंगे प्रसाद है, और लोही बाजार में जाएंगे लोही बाजार का भी ये चलता है और इस प्रकार का भी चलता है, तो फिर कैसे जीवा कंट्रोल होगा, फिर उसके साथ फिर उस गाली देने लगे, गाली जैसे बोलते हैं भक्त लोग भी गाली देते हैं, मुझे आश्चर्य होता है भक्त लोग भी गाली देते हैं, वृंदावन में तो गाली देते हैं भक्त लोग भी गाली देते हैं, तो सोचता हूँ ये क्यों गाली दे रहा है, गाली और गोली, पहले गोली चलाता था अब ये गाली दे गाली और गोली,
बोली रहता है इस प्रकार से। तो क्यों ऐसा? क्योंकि प्रसाद नहीं खा रहे हैं, ये प्रसाद का नाम करके कृष्ण प्रसाद है इस प्रकार से। तो कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए और कृष्ण का ही प्रसाद खाना चाहिए, तब जीव कंट्रोल होगा, नहीं तो जीव कंट्रोल नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये बहुत जरूरी है, तो टंग कंट्रोल। तो यहाँ पे ये चीज बता रहे हैं। और यहाँ देखेंगे तो किस प्रकार से रिजल्ट कंटामिनेशन तभी जाएगा। अभी साथ में हाउ टू कंटिन्यू प्रैक्टिस, तो बोले चैंट कॉन्स्टेंटली, चैंट हरे कृष्णा कंटिन्यू ड्यूटी, साथ में तस्मात सर्वेशु कालेशु, हर काल में चैंटिंग करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। कभी कभी लोग बोलते हैं ना कहाँ बोला है, यहाँ बोले भगवान बोलते हैं सर्वेशु कालेशु कंटिन्यू और परफॉर्म एट द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू ऑल मेन एंगेज इन मटेरियल एक्टिविटीज। ये अभी सातवें से आठवें श्लोक में क्या संबंध है? टू रिमेंबर कृष्णा इज सो इम्पोर्टेंट दैट कृष्णा रिपीट द सेम पॉइंट इन द नेक्स्ट वर्स ऑल्सो। तो कृष्ण को स्मरण करना कितना, तो इसके पहले बलदेव विदूषण क्या बोलते हैं हम देखेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे भगवान बोले थे कि मेरे भाव को प्राप्त करता है, अंत काले चमाम स्मरण मत प्रातिशत भावम भावम। तो भाव का मतलब क्या है? अंत काले जो स्मरण करता है मेरे भाव को प्राप्त करता है, भाव का मतलब क्या है? तो बलदेव विदूषण बोलते हैं भाव का मतलब है माई नेचर, हु रिमेम्बर्स मी अटेन माई नेचर लाइक माइंड। तो वो भगवान का स्वभाव क्या है, आठ गुण आते उसमें भाव में, क्या है आठ चीज? ही बिकम सिनलेस, एजलेस, डेथलेस, विदाउट ग्रीफ, विदाउट हंगर, विदाउट थर्स्ट, ब्लिसफुल एंड हिज डिजायर्स आर इंस्टेंटली फुलफिल्ड। उसका निष्पाप बन जाता है, उसका उम्र एजलेस, उम्र नहीं मतलब मरता नहीं, मृत्यु नहीं होता, बूढ़ा नहीं होता, दुखी नहीं होता, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, आनंद में रहता है और उसकी सारी इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाती हैं। और यहाँ बोले हैं यम एम स्मरण भाव त्यजन्ते कलेवरम, इसका छठवें का क्या बोले हैं? इट इज नॉट रूल दैट ऑल रिमेम्बर मी एंड अटेन मी। भगवान बोल रहे हैं ऐसा रूल नहीं कि सब लोग मुझे स्मरण करते हैं, मुझे प्राप्त करते हैं। यहाँ पे बताने की बातें बोलते हैं अदर्स रिमेम्बर समथिंग एल्स, कुछ लोग दूसरा और रिमेम्बर करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, जैसे भरत कुमार ने बताया। तस्मात सर्विस कॉलेज, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको ध्यान से दीजिए। भगवान ने क्यों बोला हर काल में स्मरण मुझे करो, किसी काल में भूल मत जाओ, क्यों? तो ये ध्यान से सुनिए। सिंस प्रीवियस थॉट्स आर कॉज ऑफ थॉट्स एट डेथ, प्रीवियस थॉट्स आर द कॉज ऑफ द थॉट्स एट डेथ, यू शुड रिमेम्बर मी एट एवरी मोमेंट एंड फाइट। क्योंकि आपके जो प्रीवियस थॉट है वो हमारे मृत्यु का थॉट हो सकता है पिछले। तो अभी जैसे अभी मान लो सपोज अभी मृत्यु हो गई, अभी जो थॉट आया प्रीवियस जो थॉट था वो हमारे काज आएगा। इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कि तुरंत हमेशा करना चाहिए, अनुक्षण होना चाहिए। सर्वेशु काले सुनिए टू टीच पीपल एंगेज योर प्रेस्क्राइब ड्यूटी ऑफ फाइटिंग ऑफरिंग योर माइंड इंटेलिजेंस टू मी यू विल अटेन मी ओनली मी एंड नथिंग एल्स हाउ नो डाउट। तो इस प्रकार से बता रहे हैं। अभी नेक्स्ट श्लोक कैसे कुछ मन बनना चाहिए, तो सोमनाथ प्रभु कौन पढ़ेगा? सोमनाथ प्रभु आप तो सब पढ़ेंगे, सिदामा तो अगला श्लोक पढ़िए। हाँ पढ़ेंगे प्रभु अभी। हाँ पढ़िए। ओके पढ़ेंगे, पढ़ू ना जो तो था वो भी करता हूँ, पढ़ो ए अभ्यास योग युक्ति है ना, पढ़िए ना चेतसा नन्यागामी ना। नहीं नहीं तेज से, थोड़ा थोड़ा तेज से पढ़िए और स्पष्ट पढ़िए। अभ्यास जग जुक्ते ना चेतसा नन्यागामी ना परमां पुरुषं विद्यां गांति नाथं चिन्तयम्। राधानाथ श्याम प्रभु आप हैं, कल्याण प्रभु आप हैं, ये मथुरेश्वर प्रभु आप है क्लास में, तीनों लोग मानुवाद मथुरेश्वर प्रभु ये पार्थ जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाइए
रखकर अभिचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तात्पर्य पढ़िए। हाँ, तात्पर्य इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने को मोहना पर। हरी बोल सोमनाथ प्रभु, आप में दूसरे कोई पढ़ेगा अभी, इतना बहुत धीमे धीमे पढ़, थोड़ा आवाज क्लियर पढ़ना चाहिए जिसको कोई पढ़ सकता। संजीव कृष्ण प्रभु आप पढ़े थे, संजय कृष्ण प्रभु। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो जाती है। भगवान के शब्दोच्चार ध्वनि से जप तथा स्मरण के अध्याय से मनुष्य का कान जीव तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर की प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की प्रार्थना शक्ति है, किंतु वे भौतिक कलमों से युक्त है। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि वे होते नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख की है भगवान की अपने विभिन्न स्वरूप में तथा नारायण वासुदेव आदि सांसों के रूप में परम भोक्ता है। रुकिए, हरि बोल। ललित कृष्ण पढ़िए, आगे पढ़िए ललित कृष्ण। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपने पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, उनके किसी भी रूप नारायण कृष्ण राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। योग अंतकरण के परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्रातः उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहे तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद हरि के स्मरण जप करने का बोलते हैं कि कृष्ण का चिंतन जप करने से अब आसान हो जाता है और जो है, और यदि इस हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहे तो निश्चित रूप से हमें जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त होगा। तो हमको हमारा निरंतर कृष्ण का चिंतन करने रहना चाहिए। और उस प्रकार से मैं उन्हीं को लोगों को पढ़ूंगा, पढ़ने को बोलूंगा जो स्पष्ट पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि सबको पढ़ना ही है, जरूरी है। तो जो लोग स्पष्ट पढ़ रहे हैं और दूसरा चीज स्पीड से पढ़े तो उन्हीं को मैं रिक्वेस्ट करूंगा। तो उसमें से कुछ लोग को रिक्वेस्ट करूंगा तो कृपा करके बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम सबका समय मूल्यवान है। और इस प्रकार से तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्पष्ट पढ़ नहीं पाते या तेज नहीं पढ़ पाते हैं तो कुछ लिमिटेड रहेंगे, जो लोग स्पष्ट पढ़ेंगे उनको ही रिक्वेस्ट करेंगे। तो इस प्रकार से अभी तो प्रेम प्रकाश प्रभु पढ़िए। नॉर्मल वर्ड्स कविम पुराण मनुषा सीतारम। इसका ट्यून ऐसा अलग है। कविम पुराण मनुषा सीतारम अनुरणीया समनुस्मरित्या सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजस्वान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तात्पर्य इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार
या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है, यह अत्यंत कठिन है। किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष है। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं, चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का। वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक में किया गया है। भगवान कवि है, अर्थात वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता है, अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष है, क्योंकि वे समस्त वस्तु के उद्गम है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम ज्ञाता भी है। वे मनुष्य के पालक तथा शिक्षक है। वे अणु से भी सूक्ष्म है। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु है कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। इसलिए वे लघुतम से भी लघुतर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी है और सबों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोकों का धारण होता है। प्रायः हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोग किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है, इसलिए अचिंत्य कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? वे इस भौतिक जगत में व्याप्त है, फिर भी इससे परे है। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते, जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इससे परे क्या है? अचिंत्य का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिसे हमारा तर्क, नीतिशास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता और जो अकल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवद्गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर ले और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करे। इससे ही ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। प्रेम प्रकाश प्रभु, बहुत सुंदर पढ़ने के लिए। आप ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूवी के कोई बड़ा डायरेक्टर एक्टर कोई अच्छा सा बोल रहा है। क्या गंभीर आवाज में, जैसे बादल आ रहा है। तो बहुत अच्छा है। थैंक यू और ऐसा लगाने के लिए। इस प्रकार से तो जैसे लग रहा था कि कहीं हमें रेलवे स्टेशन में कमेंट्री रेलवे स्टेशन के वो सुन रहे हैं, गाड़ी कौन सी गाड़ी आने वाली है, कौन सा उसका जो है। तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे चाहिए आवाज का पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे भगवान का चिंतन, भगवान कवि है। कवि का मतलब होता है, कवि का मतलब केवल पोएट्री नहीं, पोएट्री गान। कवि का मतलब जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानता है, सर्व अधाता राम है और पुराण पुरुष है भगवान। सब कभी कभी लोग बोलते हैं बूढ़े माता पिता की सेवा करना चाहिए। तो हम स्वयं को समझना चाहिए हम सबसे बूढ़े माता पिता की सेवा कर रहे हैं। राधा कृष्ण सबसे बूढ़े माता पिता है। बूढ़े माता पिता का समझना चाहिए जिनकी दाढ़ी पक गई है, बाल पक गए हैं, चश्मा लग गए हैं, वो बूढ़े है। तो छोटा बच्चा होता है उसको चश्मा लग जाता है, क्या वो बूढ़ा है? क्या बूढ़ा मतलब वृद्ध, वृद्ध मतलब ओल्ड है। ओल्ड मतलब भगवान क्या है? ओल्ड है भगवान, ओल्ड नहीं है, ओल्डेस्ट है। पुरुषम पुराण पुरुषम, पुराण पुरुष है, सबसे पुराने है भगवान। पुराने पट कैसे नव यवनम चा। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान की शक्ति अचिंत शक्ति है। हम हर चीज को समझना चाहते हैं। कितने लोग भागवत को समझना चाहते हैं, भगवत गीता को समझना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। भगवत गीता समझ, हम क्लास इसलिए करें समझने के लिए, है ना? लेकिन वास्तव में आपकी जानकारी के लिए आप नहीं समझ पाएंगे, आप समझ नहीं सकते हैं। आपको सुनना है, आपको क्या करना, सुनना है और सुनते सुनते चित्त शुद्ध को स्वीकार करना। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, अचिंत का अर्थ है इस भौतिक जगत परे हमारा तर्क, नीति शास्त्र, दार्शनिक चिंतन छू नहीं सकता। दार्शनिक चिंतन, फिलोसफिकल मतलब फिलोसफी, तो दार्शनिक हो गया, चिंतन छू नहीं सकता जो अकल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवत गीता, भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर ले। क्या कर ले? समझ ले नहीं,
कभी कभी बोलते हैं लोग, हम समझेंगे नहीं तो स्वीकार नहीं करेंगे। अब जब तक समझोगे नहीं तो स्वीकार नहीं करोगे तो उतना ही दूर रहेगा। उदाहरण के लिए फर्स्ट एक्सेप्ट एंड एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग जीवन भर अंडरस्टैंडिंग में लगा देते हैं, 20 से 25 साल पति पत्नी अंडरस्टैंड करते रहते हैं, 20-20 साल से अंडरस्टैंड करें फिर भी मिसअंडरस्टैंड होता है, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड और फिर से मिसअंडरस्टैंड, 20 साल से दो दोस्त है अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंड फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। हम किसी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, वी कैन एक्सेप्ट, वी कैन एक्सेप्ट। लोगों को कुछ कमी रहेगी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इफ यू एक्सेप्ट देन एक्सपीरियंस, प्रभुपाद बोल रहे ना, तो अंडर एक्सेप्ट करना, जो भगवत गीता भागवत में दिया है उसको क्या करना है, स्वीकार करना है। और जैसे आप स्वीकार कर लोगे तो आप एक्सपीरियंस भी करोगे। हमारे जीवन में एक्सपीरियंस क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अभी स्वीकार अभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करें और अंडरस्टैंडिंग करके नहीं पहुंच पाए। तो वास्तव में हमको स्वीकार करने के, जैसे उदाहरण के लिए एक छोटा बच्चा, उसको गुलाब जामुन देंगे तो क्या करेगा बच्चा, गुलाब जामुन हाथ में लेगा और मुंह में डालेगा तो उसको गुलाब जामुन को स्वाद मिलेगा ना। बड़े व्यक्ति को देंगे लोग गुलाब जामुन, क्या बोलेगा, क्यों दे रहा है, क्या चाहिए मुझसे, बासी बचा होगा कल का इसलिए दे रहा है, एक गुलाब जामुन में 10 कुछ पाना चाहता, कितना सोचता है। इतना सोचने के कारण से गुलाब जामुन का स्वाद तो नहीं लिया ना उसने, वो जब तक गुलाब जामुन का स्वाद हाथ में रखने से नहीं मिलने वाला है, गुलाब जामुन सब जीभ में डालेगा। बच्चा गुलाब जामुन खा लिया तुरंत और वो बच्ची सोच रहा है, अरे गुलाब जामुन दे रहा है कुछ मुझे चाहिए, मेरे से कुछ लेने है, काम पड़ा है मेरा, मुझे मुझे घूस दे रहा है, कितना कुटी नाटी, क्योंकि हार्ट सिंपल नहीं है इसलिए ज्यादा। और छोटा बच्चा है, सिंपल है, उसने स्वीकार किया। उसी प्रकार कोई बोलेगा प्रभु जी हम ऐसे ऐसे कैसे स्वीकार कर ले सब कुछ, हम ऐसे मूर्ख थोड़ी है, ठीक है, लेकिन अब शास्त्र के बात है, बोनाफाइड शास्त्र है, बोनाफाइड गुरु है, उसकी बात स्वीकार करने में क्या बुद्धि लगाना है। तो यदि नहीं लगाएंगे तो हमारे जीवन एक्सपीरियंस क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, क्योंकि वी डोंट एक्सेप्ट, वी वांट टू अंडरस्टैंड। और दुर्भाग्य से हम अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंडरस्टैंड की चीज ही नहीं है, अंडरस्टैंड की चीज ही नहीं है। यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं यह अचिंत है, अचिंत को चिंतन कैसे कर सकते हैं। यहाँ क्या बोल रहे हैं, सलाह दे रहे हैं प्रभुपाद, क्या सलाह दे रहे हैं कि अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों भगवद गीता भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर ले और उसके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करें, इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। तो अभी जैसे हम बोले चैंटिंग, चैंटिंग के बारे में बोलते हैं, जैसे कोई बोलते हैं रात में कैसे होगा, सपना आएगा, यह है, अभी स्वीकार करो, अभी ज्यादा नहीं सोचना, अप्लाई करो, अप्लाइड एक्वायर्ड नॉलेज, अप्लाइड नॉलेज देन इट बिकम्स रियलाइज्ड नॉलेज। तो यहां वी हैव टू कम टू द रियलाइजेशन स्टेज, नॉट ओनली जस्ट एक्वायर, एक्वायरेशन, एक्वायर के बाद एप्लीकेशन चाहिए, एप्लीकेशन के बाद रियलाइजेशन चाहिए, तो एप्लीकेशन विल गिव रियलाइजेशन। तो इस प्रकार से यहाँ पे है, अगला चर्चा कल करेंगे, हम यहाँ पे विराम देंगे। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई क्वेश्चंस है, डाउट्स है, आप लोग पूछ सकते हैं। यस, तो हाथ खड़ा किया क्वेश्चन के लिए। सचिनंदन प्रभु प्रश्न है जी, हाँ बोलिए प्रभु। नहीं प्रभु जी, नहीं कोई प्रश्न। ओके कल्याण प्रभु क्वेश्चंस। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रश्न, एक प्रश्न था कि भगवान यहाँ पे बारी बारी से बोल रहे हैं कि मन मुझ में लगाओ, मन हम में लगाओ, मन लगाओ हम पे, और फिर हमारे प्रचार में। प्रभु जी पीछे से कोई बोल रहे क्या? ऊपर में नहीं कर रहा मेरी। सचिनंदन प्रभु अपने आप को म्यूट कीजिए। यस हाँ, तो हमारे प्रचार में अक्सर ये मतलब जो फैमिली और जो जॉब्स में लगे हुए हैं वो बोलते हैं कि हमारे 10 घंटा 12 घंटा जॉब्स में और जॉब्स के संदर्भ में जो चिंता है उसमें लग जाते हैं, तो हमारे मन लगाना संभव नहीं है, तो इसका कोई सदुत्तर हम नहीं दे पाते, तो इसका कुछ एक आंसर दे तो फिर हम उनको भी प्रचार करने में थोड़ा सा सुविधा हो। प्रभु थैंक यू। उनको अपने जीवन के शैली को ढालना ही चाहिए, ऐसा नहीं कह सकते कि हम लकड़ी को गीला भी करें, लकड़ी को आग भी लगाए जले। अपना परिवेश, अपना वातावरण, अपना पेशा, उनको थोड़ा देखना पड़ेगा, कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल कि हम बियर बार में जाएं और कृष्ण का चिंतन करें, बार में रहें और चिंतन करें, तो इसलिए ये देखना पड़ेगा हमारा जॉब पेशा एक्सप्रेशन।
तो उनको हम समझा सकते हैं। अभी ठीक है आप ऐसी स्थिति में हो, लेकिन धीरे धीरे आप आपका जॉब थोड़ा चेंज कीजिए, आपको और आपको ऐसा बनाइए जहाँ पे आप कृष्ण का स्मरण कर सकें, आपके प्रोफाइल को ऐसा करिए जहाँ प्रोफेसर, आप अपने जाते हो तो कीर्तन करो, कीर्तन सुनो, या स्क्रीन सेवर रखो और कुछ करो, बहुत सारे टेक्निक हैं उसमें कर सकते हैं, हरे कृष्ण धुन मशीन के साथ में रखो, तो इस प्रकार से आप जो अपने कमरे में फोटो लगा के रखो, मोबाइल लैपटॉप में स्क्रीन में रखो, तो इस प्रकार से अपने मोबाइल के ट्यून में हरे कृष्णा मंत्र रखो, तो बहुत सारे चीजें आ जाएगा धीरे धीरे। ओके, रास सेकरण गोपाल थैंक यू प्रभु। प्रभु, थैंक यू प्रभु। यस प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, हियरिंग यस प्रभु, प्रभु, आई हैव टू डाउट्स प्रभु यस प्लीज टेल। रिगार्डिंग द राधा पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज सेड जपासिति सभासिति, व्हाट इज इट ही सेड, जपासिति जपा सभासिति सिद्धि, जपा सिद्धि, असंशय, असंशय, असंशय मीन्स असंशय में देयर इज नो डाउट, ओके दैट इज एक्चुअली दिस इज ए सेम लाइक वर्स, हरे नाम हरे नाम हरे नामाय केवलम कलौ नास्तैव नास्तैव गतिर्नन्तः, लाइक दैट सिमिलर सेम वे। ओके द सेकंड क्वेश्चन, कैन यू रिपीट द एट क्वालिटीज ऑफ कृष्णा, सिनलेस, एजलेस, डेथलेस, ब्लिसफुल, नो थर्स्टी, नो हंगर नो हंगर, एंड ओके ओके ऑल डिजायर्स आर इमीडिएटली फुलफिल, सेवन कितना हो गया? हो गया, सिनलेस, हाँ, एजलेस, डेथलेस, ब्लिसफुल, नो एजलेस, थर्स्टी, एजलेस, 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 या सेकंड वन इज या एजलेस, डेथलेस, ब्लिसफुल, नो थर्स्टी, नो हंगर, ऑल ऑल डिजायर फुलफिल, एट वन, या जस्ट आई विल चेक एंड जस्ट आई विल लेट मी चेक। हाँ या सो सिनलेस, एजलेस, डेथलेस, विदाउट ग्रीफ, विदाउट ग्रीफ, विदाउट ग्रीड, विदाउट हंगर, विदाउट थर्स्ट, ब्लिसफुल एंड हिज डिजायर्स आर इंस्टेंटली फुलफिल्ड, दैट इज मद्भाव, भगवान के भाव में, मतलब आध्यात्मिक नित्य भक्त लोग, नित्य जो मुक्त होते हैं, नित्य सिद्ध होते हैं, नित्य मुक्त भक्ता, उनमें एज नहीं होता, पाप नहीं होता, डेथ नहीं होता, ग्रीफ नहीं होता, हंगर नहीं होता, थर्स्ट नहीं होता, ब्लिस रहते हैं और डिजायर्स आर इंस्टेंटली फुलफिल। स्वरूप का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि वो भगवान बन गया, स्वरूप मतलब भाव, भगवान के स्वरूप को, भगवान के भाव को प्राप्त करता है, मद भाव भगवान ने बोला है, भगवान जैसा बन जाता है, भगवान नहीं बन जाता ऐसा नहीं है, तो इस प्रकार से उसमें। यस प्रभु, थैंक यू, एनीथिंग एल्स? नो। या दैट्स राजकुमार प्रभु, जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा प्रभु यस प्रभु बोलिए, जी, सातवें श्लोक के तात्पर्य में अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान हाँ यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे, लेकिन प्रभु जी भगवान की भक्ति करते करते भौतिक कार्यों से विलग हो करके घबरा करके भक्ति में आते हैं, तो फिर जो है कि अपने जो कुछ कर्तव्य हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है, करने का मन नहीं रहता है, हाँ वास्तव ड्यूटी में से थोड़ा विमुख हो जाते हैं। तो नहीं, उसको ड्यूटी करना चाहिए, और कभी कभी हमारा जो प्रचार होता है ना, तो थोड़े शुरू शुरू में हम प्रचार ऐसा कर देते हैं, डरा के छुड़ा के भक्ति में लगा देते हैं, लेकिन प्रीचिंग मैच्योर प्रीचिंग होना चाहिए, मैच्योर गाइडेंस होना चाहिए, और मैच्योर मैच्योर परिपक्व होना चाहिए, तो उस प्रकार से होना चाहिए, दोनों अपना कर्तव्य भी करना चाहिए, और लेकिन कर्तव्य किसका कर्तव्य है वो भी समझना चाहिए, कौन से वर्ड में कौन है, कौन से आश्रम में है, अलग अलग वर्ड अलग अलग आश्रम के लिए अलग अलग कर्तव्य होता है, तो अपना कर्तव्य अपने वर्ण आश्रम के अनुसार देखना चाहिए, तो उस प्रकार से उसको करना चाहिए। दूसरा चीज है, हम जंप नहीं कर सकते हैं, जंप करें ग्रेजुअल अपलिफ्टमेंट होता है ना, कभी कभी हम थोड़ा जंप करा देते हैं या जंप करना चाहते हैं, तो उसको भी देखना चाहिए, शुद्ध भक्ति में भी जंप करा देते हैं, शुद्ध भक्ति में तुरंत ला देते हैं, लाने का प्रयास करते हैं और गिर जाते हैं फिर वहां से शुद्ध भक्ति से नीचे, तो धीरे धीरे इसलिए वर्ण आश्रम आता है पिक्चर में, तो देखना चाहिए, इसलिए प्रभु भगवान ध्यान जी हरे बोलिए। कृष्णा, प्रभु जी इनकेस मान लिया कि भयवश हम
कुछ नहीं कर पा रहे हैं जो अपना हाँ, ड्यूटी है हाँ, और भगवान की थोड़ा बहुत भक्ति भगवान करा रहे हैं, तो क्या हाँ, हमारा जो कर्तव्य है ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं वो क्षमा हो जाएगा? हाँ क्षमा हो सकता है, हो जाएगा यदि आप उसको उस पूर्णता को उसको प्राप्त कर लेंगे जो आप जो भगवान के, क्योंकि तो भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तुम सारे धर्मों को छोड़ मेरी शरण में आ जाओ, तो फिर कोई ड्यूटी रह नहीं जाएगा, तो वहां तक वो पहुंचना चाहिए, वो चीज करना चाहिए, तो वो इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, लेकिन वो उसमें उतना संलग्न होना चाहिए। कभी कभी आप माता पिता का ध्यान नहीं दिए होंगे, या माता पिता से ब्रह्मचारी लोग हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, और फिर बाद में लेकिन वहां माता पिता की सेवा भी ना करें और यहाँ भी अच्छे से सिंसियरली भक्ति ना करें, फिर उनका रिएक्शन लगे, कर्मा लगेगा, लेकिन माता पिता की सेवा का छोड़ दिया है और यहाँ भगवान पे निछावर होकर दिया अपना जीवन, तो फिर वो कर्मा नहीं लगेगा, वो ट्रांसेंडेंट हो जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, थैंक यू हरे कृष्ण विवेक जी। प्रभु। यस ये लास्ट वाला जो श्लोक था ना, तो आपका भगवान आपका बोले बोलना मनुष्य क्लियर नहीं आ रहा, चाहिए, नहीं क्लियर, थोड़ा स्पष्ट बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। मनुष्य भगवान बोल रहे हैं ना कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुत्तर से लघुत्तर प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। तो ये जो भगवान बोल रहे हैं प्रभु जी की अचिंत्य तथा अचिंत्य तथा ये बोले समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे, तो वो कैसे कर सकते हैं? वो आप हरे कृष्ण मंत्र जप करके करे, वो भगवान अचिंत है ऐसा समझो, अचिंतन से परे है ऐसे भगवान का गुण बता रहा है, तो उनको आपको ऐसे भगवान का करना है ऐसा बोला जा रहा है। आप ऐसा मत करो, अचिंत का ध्यान करो, आपको भगवान का स्मरण करना है, ऐसे भगवान है वो कि अचिंत है और इस प्रकार सर्वज्ञ है, पुराण पुरुष है, वो बता रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आया प्रभु जी, समझ में नहीं आया क्लियर। क्लियर ये है, ये जो बता रहा है ना ये भगवान के बारे में बता रहा है, जो गुण आपने बताए ना कौन से भगवान है, अचिंत है, पुराण पुरुष है, ऐसे पुरुष का चिंतन करना है आपको, तो कैसे करना है, वो ऐसा पुरुष कौन है, कृष्ण है, तो कृष्ण का चिंतन करना है, बस इतना ही है। तो कृष्ण का चिंतन हरे कृष्ण महामंत्र से करने से ये हो जाएगा सारा, सब कुछ कंप्लीट पूरा, हाँ सब हो जाएगा। यस समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत तथा नित्य पुरुष के रूप में मतलब करना है हरे कृष्ण का महामंत्र से। यस यस आप बहुत क्वेश्चन आप बहुत क्लिष्ट क्यों कर देते, सिंपल है उस प्रकार से, आप हरे कृष्ण मंत्र जप करिए और डीटी की सेवा करिए, राधा सेवा करिए, सब हो जाएगा वो चीज के लिए, वो करके लिए। ठीक है, उसमें कभी कभी वो योग मिश्र भक्ति आएगा, योग योग में जाना नहीं है आपको, कर्म आएगा, ज्ञान आएगा, योग मिश्र आएगा, तो उसको उसको वो सबके लिए नहीं है, वो भक्ति का मार्ग। हमारा कौन सा मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, कौन सा मार्ग है, ठीक हमको भक्ति करना है, भले भगवान प्रभुपाद इंफॉर्मेशन के लिए बताएंगे अलग अलग चीज, लेकिन हमारा तो अल्टीमेट भक्ति का मार्ग है ना, तो हमको भक्ति मार्ग ही करना है, तो उस प्रकार से। एक्चुअली हरे कृष्ण करने जब करने कोई संशय नहीं है, हरे कृष्ण मंत्र करने से सब हो जाएगा, लेकिन उतना श्रद्धा और विश्वास चाहिए, उतना श्रद्धा और विश्वास चाहिए, वो श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो आपका जहां भी श्रद्धा हो विश्वास हो वो चीज करो, आप देखो आपका विश्वास किधर है, श्रद्धा किधर है, उसको करो, उससे हो जाएगा आपका। ठीक है, तो टाइम हो गया 20 मिनट लेट हो गए, यहाँ पे हम विराम देंगे। हरे कृष्णा, तो श्री प्रभुपाद की जय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु भ्योश्च पतिता नाम पावनेभ्यश्च संचयन कल्प तरुवश्च कृपा सिंधु वैश्य पतितानां पावन तेषां वैभव नमो नमः। Thank you.